हेलो स्टूडेंट्स बेटे, आपां सैकेंड यूनिट दा सल्यूशन वाला लैसन करदे आ रहे हैं। थोड़ा जा वीडियो दे विच गैप पै गया ते अज आपां वैसे कंटिन्यू करके लैसन नू आलमोस्ट कंप्लीट कर दांगे। हुण तक आपां कीता सीगा सॉलिड सल्यूशन दे विच ते गैसेस दी आपां कीता या सल्यूशन दे विच के गैसेस किस तरह डिजॉल्व हुंदियां और उहदे बेस ते आपां हेनरीज लॉ कीता सीगा। ते अज आपां रॉड्स लॉ बारे गल करांगे, वोलेटाइल दे लई और नॉन वोलेटाइल दे लई, और सारी दी सारियां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ने जिहड़ियां उहनां दे बारे दे विच आपां पढ़ांगे, उहनां दे फॉर्मूलाज करांगे। और बेटे, जेकर नवें आए हो मेरे चैनल ते तां मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर दो, और मेरे चैनल नूं वीडियो चंगी लगदी हैगी जेकर तां उहनूं लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। स्टार्ट कर देंगे। जिहड़े हुण तक आपां सोल्यूशन कीते ने उहदे विच इक आपां सॉलिड सोल्यूशन आ थोड़ा जिहा इक टॉपिक आ, पहलां उहनूं डिस्कस कर लईए ते फिर आपां रॉड्स लॉ कर देंगे। सॉलिड सोल्यूशन यानी कि सॉलिड दे विच ही सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशनस। सॉलिड सोल्यूशनस मतलब सॉलिड दे विच आपां सॉलिड नूं डिजॉल्व करना है। इहदे विच छोटा जिहा टॉपिक ही आ इह, इहनूं पहलां डिस्कस कर लैंदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਫਸਟ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, सॉलिड सोल्यूशन। सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन की होंगे डायग्राम तो समझा देनी है, बहुत ही ईजी है। जिमें कि सॉलवेंट और सल्यूट के आप पार्टिकल्स बनावे, कि इस तरह सॉलवेंट के हाँ पार्टिकल्स ने सॉलिड के विच। आप सॉलिड स्टेट वाला लैसन किया ना, वो आप पार्टिकल्स किए से किस तरह एक दूजे के नाल बिल्कुल जुड़े हुए होंगे ने, उन्होंने इंटरमोलिकुलर फोर्सिस स्ट्रोंोंग होंगे ने, उन्होंने वर्ड्स घट होंगे ने, वह भी अलग अलग एक पैटर्न आ जोड़ा आप सॉलिड स्टेट कर चुके हैं। हूँ यह एक ए वाला पैटर्न आ, ये जेडे ए वाले पार्टिकल्स ने यह आप मान लें गे कि सॉलवेंट दे ने, और एक ए वाले ने जेडे ये हैगे ने सल्यूट दे। तां जदों इस तरह का जिहड़ा सोल्यूशन बनता सॉलिड का, सॉलवेंट भी सॉलिड आ और सल्यूट भी सॉलिड आ, तो उन्हां दा मिक्सचर किस तरह बनता। इत्थे एक पार्टिकल आ जिहड़ा ये वाला आ गया सल्यूट दा, इन्हां दा सेम साइज़ हुंदा बेटे, यानी कि एक उत्थों पार्टिकल सॉलवेंट का नहीं होएगा, उहदी जगह ते की होएगा सल्यूट दा होएगा। मान लो कि इत्थे एक, ठीक है, क्योंकि सेम साइज़ दे ने, किते भी बना सकते होंगे तुसी। इत्थे एक हो गया, एक इत्थे हो गया। इस तरह का जिहड़ा सोल्यूशन बनता सॉलिड सॉलिड का, इहनू कहिंदे आ सबस्टीट्यूशनल सबस्टीट्यूट। आपां कहिंदे अपना सबस्टीट्यूट दे दो तुसी, भी जेकर अज तुसी नहीं कम कर सकते तो अपना सबस्टीट्यूट दे दो, भी वह कम कर दूगा। यानी कि जे इत्थे कोई इस जगह पर कोई पार्टिकल नहीं हैगा तो उहदा सबस्टीट्यूट की आ गया, यानी कि बिल्कुल उहदे वर्गा उस साइज़ का उस तरह ही फिट होएगा उत्थे, तां उत्थे सल्यूट आ गया। इहनूं आपां कहता सबस्टीट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। नैक्सट करदे हां आपां इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल दे विच की होएगा, सैकेंड हो गया इंटरस्टीशियल, उहदे विच ए वाले जिहड़े पार्टिकल्स ने ये आपां लै रहे हां सॉलवेंट दे, ठीक है बेटे। और वर्ड्स दे विच इत्थे जिहड़े पार्टिकल्स फिट हो गए ये हैगे सल्यूट दे, ठीक है। ये वाले जिहड़े ग्रीन वाले ने ये हैगे सल्यूट, और जिहड़े वाइट वाले ने ये हैगे सॉलवेंट, ठीक हो गया। यानी कि वर्ड्स दे विच जेकर फिट हो जाते हैं इंटरस्टीशियल,
इंटस्टिशियस स्पेशियस स्पेसिस भी आप कहने गए सॉलिड स्टेट वाले लैसन के मैं तुम्हें चंगी तरह समझाए हुए ने। जेकर इन्हों थावान फिट हो जाते हैं सॉलिड के कोई होर पार्टिकल्स यानी कि सल्यूट दे उस तरह का जोड़ा सल्यूशन बनता सॉलिड सॉलिड का उसनों आप कह दें गए इंटस्टिशियल सॉलिड सल्यूशन। हुण आप एक एक इन एग्जाम्पल कर लें गए कि ये जो फस्ट वाला ये फस्ट वाला सीगा सबस्टिट्यूशनल दा वा ये ब्रास जड़ी यदि एक एग्जाम्पल ब्रास ये की होंदा या कॉपर प्लस जिंक कॉपर ते जिंक आ जड़ा उदा मिक्सचर होंदा या ते कॉपर ते जिंक दे जड़े हे पार्टिकल्स ने जड़े जो भी होंगे वह सेम साइज़ दे ने ते उनू सबस्टिट्यूट कर देंदे ने उदी जगह दे उत्ते जाने के कॉपर दी जगह दे उत्ते जिंक आ गया। इस तरह होर भी एग्जाम्पल्स है जिमें कि जिंक सल्फाइड हो गया कैडमियम सल्फाइड हो गया ये भी उस तरह के ही सल्यूशन बनाते हैं। फिर आप एग्जाम्पल कर लिए एक इंटस्टिशियल दी इंटस्टिशियल दे विच कॉमन एग्जाम्पल इसकी हैगी टंगस्टन कार्बाइड टंगस्टन का फॉर्मूला W तो कार्बाइड हो गया C एदा फॉर्मूला हो गया। टंगस्टन एटम्स ने जड़े वह तो एफ सी सी पैटर्न के होंगे जिमें कि सॉलिड स्टेट के आप करके हैं एफ सी सी पैटर्न फेस सेंटर्ड पैटर्न के ठीक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैटर्न हो गया। तो कार्बन एटम्स ने जड़े वह ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के फिट हो जाते हैं कि फिट हो जाते हैं कार्बन एटम्स एफ सी सी के कड़े ने टंगस्टन के ने वो फिट हो जाते हैं। तो इस तरह की हो गया वर्ड्स ने जड़िया वह भी कवर्स हो गई ठीक है वर्ड्स के फिट हो गए ये फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंोंग बन जाता इन्ना ज़्यादा हार्ड बन जाता जरा टंगस्टन कार्बाइड आ कि इसनों कटिंग और ग्राइंडिंग टूल्स के फॉर्म के वरत्या जाता क्योंकि वैसे पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे ने तो जिहड़ियां वर्ड्स ने उहदे विच भी अगों की हो गया कार्बन फिट हो गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है इस करके इसनों आपां कटिंग जां ग्राइंडिंग टूल्स के यूज़ कर लें। ये थोड़ा जिहा इहदे बारे च सीगा सॉलिड सोल्यूशन के बारे हुण आपां गल करदे आंगे रॉल्स ला दे बारे। रॉल्स ला वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे ये रॉल्स ला नू स्टडी करन तो पहला आपां वेपर प्रेशर बारे पता होना चाहिए। देखो हैनरीज ला दे विच भी आपां गैस का प्रेशर किया वेपर प्रेशर करने आपां लैना की है कि लिक्विड का लिक्विड दे विच सल्यूशन लैना। रॉल्स ला नू आपां दो तरह के नाल स्टडी करांगे एक करांगे वॉलेटाइल दे लई एक करांगे कि जिहड़ा उहदे विच सल्यूशन पाया आपां सॉल्वेंट दे विच जिहड़ा सल्यूट पाया सल्यूशन दे विच यानी कि एक सॉल्वेंट आ एक सल्यूट आ जिहड़ा सल्यूट पाया वह वॉलेटाइल हो सकदा सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल होवे दोनों भी वॉलेटाइल हो सकते हैं। एक तो उहदे लई आपां फॉर्मूला डिराइव करांगे और एक होएगा जिहदे विच सल्यूट नॉन वॉलेटाइल आ पर सॉल्वेंट आ जिहड़ा वह वॉलेटाइल आ। हुण वॉलेटाइल का मीनिंग पहला तुहानू पता होना चाहिए वट इज़ वॉलेटाइल कई बच्चों नू नहीं पता लगता बेटे वॉलेटाइल की हुंदा या तो मैं तुहानू दस्सदी हां वॉलेटाइल का मतलब यह हुंदा कि इकोदम वेपर्स दे विच कन्वर्ट हो जाना बहुत छेती वह वेपर्स दे विच कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत छेती कि चीज़ वेपर दे विच कन्वर्ट होएगी जिन्हां दे विचकार जिहदे मोलीक्यूल्स आयंस जां एटम्स ने जिहड़े वह कंबाइंड होए ने उन्हां दे विचकार इंटरमोलीक्यूलर फोर्सिस बहुत वीक ने जा मोलीक्यूल्स ने उन्हें विचकार वीक वंडरवाल्स फोर्सिस ने तो वह फोर्सिस जड़ियाँ वीक होंगे उन्होंने तोड़ना बहुत सौखा होंगे ईजीली तोड़िया जाए तो छेती ही वेपर्स के कन्वर्ट हो जाते हैं। जिमें कि फॉर एग्जाम्पल तुम मैं दसदा कि तुम पेट्रोल आ जड़ा कढ़ के बाहर जो थोड़ा जहा भी तुम किसी कप के रखोगे तो मतलब थोड़े जे सकिंटा के एक मान लो कि जो थोड़ा बहुत ज़्यादा घट पाया तो सकिंटा के जो थोड़ा जहा वध पाता तो मिनट लग सकते हैं तो वैपोरेट हो जाता यदा मतलब वह की है वॉलेटाइल है समझ गए। इस तरह जड़ा नहीं वॉलेटाइल हों जिमें कि सॉलिड कोई भी लै लो तुम शूगर लै लो नमक लै लो ठीक है उन्होंने तुम जेकर बाहर रख दोगे तो उड़ता नहीं ना है तो उन्होंने आप फिर की कहेंगे नॉन वॉलेटाइल। मैनू उम्मीद है कि हम तुम वॉलेटाइल तो नॉन वॉलेटाइल की समझ आ गई होगी चंगी तरह।
हुण इहदे विच आपां रॉड चला दे विच आपां वेपर प्रैशर की गल करने। वेपर प्रैशर किहदा होगा? वेपरस का। वेपरस किहदे बनणगे? जिहदा जिहदा वॉलेटाइल होगा वह उड जूगा, उहदे वेपरस बनणगे। ठीक है, सब तो पहला तुहानू पता होना चाहिए वट इज़ वेपर प्रैशर। वेपर प्रैशर लिक्विड का की हुंदा कि लिक्विड नू जेकर असीं गर्म कर देंगे, इस तरह एक बॉक्स के विच आपां पानी पाता, मान लो तुसी घर दे विच ही गैस दे उत्ते एक पतीला पानी दा धरता उबलना, ठीक है जी, उपरले पासे लगाता ढक्कन, तां उपरले पासे की बन गए, है वेपरस बन गए, इत्थे पानी उबलना शुरू हो गया ना, इत्थे वेपरस बन गए। ये वेपरस ने जिहड़े ये प्रैशर एग्जर्ट करते हैं कि जेकर तुसी टाइट ढक्कन लगाओगे तो हो सकता वो खड़खड़ खड़खड़ भी करे, आवाज़ करता, यह मतलब प्रैशर लगा रहा ना वो। इनू आपां कहिंदे आ वेपर प्रैशर, क्योंकि स्ट्राइक करदे ने वेपर दे जिहड़े पार्टिकल्स ने ओह स्ट्राइक करदे ने उहदियां दीवारां दे नाल चारे पासे। तो फिर एक बारी कंडीशन इहो जी आउंदी आ कि जदों असीं इस नूं इस तरह हेठां गर्म कर देंगे तां वेपरस ने जिहड़े इन्ने ज़्यादा हो जांदे ने, कुछ वेपरस इस सरफेस दे नाल कोलाइड करदे ने, यानी कि लिक्विड दी सरफेस दे नाल कोलाइड करदे ने, तां उह नाल दी नाल ही कंडेंस भी हो जांदे ने। ठीक है जी, की बन गए? वेपर बन गए पहलां। फिर की होंगे जो बहुत ज़्यादा वेपरस बन जाते हैं तो वह कंडेंस भी हो जाते हैं, ये वेपर बन गए, कंडेंस होकर की बन गए? लिक्विड बन गए। मतलब कि एक इस तरह की पोजिशन आ जाए जदों जदों जिन्ने वेपरस बन रहे ने लिक्विड की सरफेस ना स्ट्राइक करके फिर कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। उस इक्विलिब्रियम वाली स्टेट के उत्ते एक गिवन टैंपरेचर से जिहड़ा प्रैशर एग्जर्ट किया जाता वेपरस द्वारा उसनों आपां कहिंदे आ वेपर प्रैशर। द प्रैशर एग्जर्टड बाय द वेपरस अबव द लिक्विड, ठीक है, इस लिक्विड के जिहड़ा लिक्विड नूं आपां बॉयल करां इहदे उपरले पासे, इत्थे इत्थे उपरले पासे, द प्रैशर एग्जर्टड बाय द वेपरस अबव द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कदों हो गया? जदों वेपरस ते लिक्विड दोनों वेपर जिन्ने बनते उन्ने लिक्विड च कन्वर्ट हो जाते, उन्ने लिक्विड वेपर दे विच कन्वर्ट हो जाता। एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टैंपरेचर इज कॉल्ड वेपर प्रैशर। हुण वेपर प्रैशर किहदे ते डिपेंड करता? फैक्टरस किहड़े फैक्टरस ने जिहड़े इहनू अफैक्ट करते हैं? फैक्टरस किहड़े? एक तां नेचर ऑफ लिक्विड, जिवें हुणे तुहानूं मैं दस के हटी हाँ वॉलेटाइल ते नॉन वॉलेटाइल दे विच, पहला तो हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर के जेकर तो वो स्ट्रोंग ने इंटरमोलिकुलर फोर्सिस, फोर्सिस का मैगनीट्यूड बहुत ज़्यादा आ तो उन्होंने तोड़ना बहुत औखा आ, तो इस करके वो छेती छेती वेपरस के कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जिन्होंने विचकार वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सिस ने वो बहुत आसानी उन्होंने विचकारले जड़े बॉन्ड ने फोर्सिस ने जड़िया टुट जाएगियाँ, तो ईजीली वेपरस के कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि जेकर आप पानी नू बाहर रखे तो वह इन्नी ईजीली वैपोरेट नहीं हुंदा जिन्ने कि छेती जेकर अलकोहल बाहर रख देंगे या पेट्रोल नू बाहर रख देंगे तो बहुत तेजी दे नाल, जेकर तुसी दो कप दे विच इस तरह दो कप लै लो उन्हां दे विच एक दे विच तुसी पाती अलकोहल और एक दे विच पाता तुसी वाटर, ठीक है, उन्हां दोनों नू जेकर इस तरह ही तुसी ओपन बाहर दे विच रखो बाहर रखोगे तो अलकोहल बहुत तेजी दे नाल इवैपोरेट हो जूगा, वेपरस बन जाएंगे, जबकि पानी दे इन्नी तेजी नाल नहीं बनणगे। ये हो गया नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि इहदे विचकार जिहड़े बॉन्ड्स ने वो वीक ने ते वो ईजीली टुट जाते हैं तो वेपरस दे विच कन्वर्ट होते हैं। जिहड़े वाटर मोलीक्यूल्स ने इहदे बॉन्ड्स स्ट्रोंग ने एज कंपेयर टू अलकोहल दे मोलीक्यूल्स दे, ते वो ईजीली नहीं टुटते, वह छेती छेती वेपरस के कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरा टैंपरेचर हो गया, देखो टैंपरेचर तो अंडरस्टूड है कि ज़्यादा तुम हीट दोगे तो ज़्यादा वेपरस बन गए, तो जेकर घट हीट दोगे तो, क्योंकि जो हीट देंगे तो वह जिन्हों आप कहने कनैटिक एनर्जी जिन्हों पंजाबी कहने आप गतिज ऊर्जा मूव कर दें बहुत तेजी के मूव कर दें तो उन्होंने फोर्सिस टुट दी तो ईजीली वेपरस के कन्वर्ट हो जाते हैं। जेकर टैंपरेचर घट होएगा तो वह छेती छेती वेपरस के कन्वर्ट नहीं होंगे। बाकी फोर्सिस ने दोनों चीज़ा मतलब कि डिपेंड करते हैं, फोर्सिस वीक ने थोड़े टैंपरेचर के नाल ही वो फोर्सिस टुट जाएंगे तो वेपर च कन्वर्ट हो जाएंगे। जेकर फोर्सिस स्ट्रोंग ने तो तुम ज़्यादा टैंपरेचर देना पेगा, उसको ज़्यादा हीट करना पेगा तो वह वेपरस के कन्वर्ट होंगे। हुण आपां वेपर प्रैशर लिक्विड से यह लिक्विड की गल की आप, ठीक है, कि लिक्विड का वेपर प्रैशर किस तरह होंगे किसी भी लिक्विड का। हुण आपां लिक्विड सल्यूशन की गल करांगे।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन आपां केड़ा लेना है, हम लिक्विड दे विच ही लिक्विड पाउणा, लिक्विड ही सोल्यूट होएगा और लिक्विड ही सॉल्वेंट होएगा, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन लेना। और ये की लेना आप, वॉलेटाइल वॉलेटाइल के सल्यूट ये जरूर वॉलेटाइल हो, दोनों भी वॉलेटाइल हो सकते हैं पर सल्यूट है जोड़ा वह वॉलेटाइल होना चाहिए। जेकर सल्यूट वॉलेटाइल है तो इवेपोरेट ईजीली हो जूगा। जदों असी सल्यूट नूं सल्यूशन सॉल्वेंट दे विच पाया तां उह जदों तक कल्ला सल्यूट सीगा उह ईजीली वैपोरेट हो गया, जदों असी किसे सॉल्वेंट दे विच पाया जिहड़ा कि आप खुद इन्ने वेपर्स नहीं बना रहा तो उहदे नाल उहदा वेपर प्रैशर थोड़ा जिहा घट सकदा है। पर जेकर सॉल्वेंट आ जिहड़ा उह भी वॉलेटाइल आ, सल्यूट आ जिहड़ा उह भी वॉलेटाइल आ, तां हुण जदों असी इस मिक्सचर दे विच जिवें कि फॉर एग्जाम्पल देखो कि एक बीकर दे विच इहदे विच सल्यूट आ, इहदे विच सॉल्वेंट, सल्यूट आ इहदे विच सॉल्वेंट आ, ठीक है, इहदा वेपर प्रैशर हो गया, वेपर्स बन गए इहदे जदों गर्म कर देंगे, इहदा भी वेपर प्रैशर हो गया। जदों असीं इहनां दोनों नूं मिक्स करता, इत्थे एक बीकर लै लिया ते इह वाला सल्यूट इहदे च पाता, इह वाला सॉल्वेंट इहदे विच पाता, ठीक है जी, तां की हो गया हुण दोनों दा कट्ठे का हो गया ना वेपर प्रैशर। हुण इहदे विच सल्यूट कोई होर आ, सेम तो है नहीं ना, सॉल्वेंट कोई होर आ ते सल्यूट कोई होर आ, इहदा वेपर प्रैशर होर होएगा, इहदा वेपर प्रैशर होर होएगा, पर जदों दोनों नूं असीं मिक्स कर दिता तां सल्यूशन दा जिहड़ा वेपर प्रैशर होएगा, दोनों दा वेपर प्रैशर नूं आपां जे जोड़ांगे तां ही वेपर प्रैशर होएगा। इहदा मतलब की हो गया कि सल्यूशन जेकर वॉलेटाइल लिक्विड आ तां उहदा जिहड़ा वेपर प्रैशर आ किहदे ते डिपेंड करदा कि किन्नी अमाउंट इधरों पाई आ, किन्नी अमाउंट इधरों पाई आ, ठीक है, जाने के किन्ने मास किन्ना पाया उहदा, ठीक है, क्वांटिटी उहदी मात्रा किन्नी पाई आपां इहदे विच, ना कि नेचर, नेचर ते नहीं डिपेंड करदा, ठीक है, उदों जदों आपां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की गल करांगे उदों इह गल करांगे कि नेचर ते डिपेंड नहीं करदा कि मात्रा असीं किन्नी पाई आ। हुण जेकर आपां सल्यूशन दे विच आपां मन्नीए कि असीं एक ए सल्यूट पाया, ठीक है, तो यदा जो आप कल्ले दा वेपर प्रैशर देखते हैं, इतने देखो जाने के इनू तुसी मान लो आ वाला हैगा ए ते आ हैगा बी, ए दा वेपर प्रैशर अपना एक अलग होएगा, कॉन्सटेंट प्रेशर होएगा, जिवें पानी दा एक कॉन्सटेंट वेपर प्रैशर है, इस तरह अलकोहल दा अपना अलग आ, कल्ले कल्ले दा अपना कॉन्सटेंट एक वेपर प्रैशर होएगा, तो जेकर इन्हों मिक्स कर दें आगे तो वह डिपेंड करता उसके मात्रा किन्नी उहदे विच पाई, जाने कि उहदे किन्ने मोल फ्रैक्शन पाए ने, तो उहते डिपेंड करता मोल फ्रैक्शन किन्ने ने। पर जेकर इहदा वेपर प्रैशर इहदे प्रपोर्शनल आ ते प्रपोर्शनैलिटी नूं खत्म करन दे लई इह होएगा पी ए इज इक्वल टू जिन्ना उहदा कॉन्सटेंट मात्रा दे विच प्रैशर आ और उसदे मोल फ्रैक्शन हो गए। इस तरह आपां बी दी गल करिए, ये कदों ने जदों आपां बीकर दे विच ए ते बी नूं मिक्स करता, ठीक है बेटा, जदों आपां कल्ले कल्ले दी गल करदे हां, देखो जदों आपां कल्ले कल्ले दी गल करांगे ध्यान नाल समझो, जदों आपां कल्ले दी गल करदे हां तां इहदा कॉन्सटेंट आ, जाने के पी ए नॉट आ, इहदा ए कॉन्सटेंट हो गया, इहदा वेपर प्रैशर इधर पी बी नॉट हो गया, पी बी नॉट हो गया, तो कॉन्सटेंट वेपर प्रैशर हो गया। पर जदों असीं दोनों नूं इहदे विच मिक्स कर दिता, इत्थे मिक्स कर दिता जदों दोनों नूं, तां आपां वेपर प्रैशर किस तरह काउंट करदे हां कि पी ए, क्योंकि दोनों का वेपर प्रैशर इकट्ठा हो गया ना, हुण जिहड़ा ए पाया उहदा भी, उहदे भी वेपर्स बन गए, जिहड़ा आपां बी पाया उहदे भी वेपर्स बन गए, तां दोनों का जिहड़ा वेपर प्रैशर आ तां ए वाले का किहदे ते डिपेंड करदा, उहदे जिन्नी उहदी मात्रा उहदे विच पाई है और जिन्नी मात्रा किन्नी पाई है उहनूं आपां मोल फ्रैक्शन दे विच लवांगे, एक्स ए हो गया। तो जे प्रपोर्शनैलिटी नूं खत्म करन दे लई पावांगे उहदा जिहड़ा कॉन्सटेंट, जदों उस कल्ले दा आपां वेपर प्रैशर लिया सी जिहड़ा उहदा कॉन्सटेंट वेपर प्रैशर आ ए दा, उहनूं प्रपोर्शनैलिटी नूं खत्म करन लई उह वाला असीं इत्थे लिखांगे। हुण आपां दूजे की गल करिए, जिहड़ा सोल्यूशन दे विच पाया आपां दूसरा कंपोनेंट पाया जिहड़ा पी बी, उह भी इसे तरह तुसीं करोगे कि उह प्रपोर्शनल किहदे आ, उहदे मोल फ्रैक्शन दे। प्रपोर्शनैलिटी नूं खत्म करन दे लई की करांगे आपां पी बी
इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो हुण असीं की कहा सोल्यूशन दे विच जदों असीं ए वाला कंपोनेंट भी पाता और बी वाला कंपोनेंट भी पाता तो दोनों कट्ठे ने तो टोटल वेपर प्रैशर दोनों के जोड़ दे बराबर होना चाहिए ना। तो असीं इन्हां दोनों नूं जोड़ दिंदे आ कि टोटल वेपर प्रैशर आ जिहड़ा दैट इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए दी वैल्यू इत्थे पा दो हुण पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हुण इहदे विच जेकर आपां मान लीए जिवें कि आपां इह कीता इहदे विच मोल फ्रैक्शन दे जिहड़े पहलां कंसंट्रेशन वालियां तुहानूं मैं टर्म्स करवाईआं ने असीं कहिंदे मोल फ्रैक्शन दे विच एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। क्या सी ना मैं तुहानूं कि दोनों मोल फ्रैक्शन जदों आपां फाइंड आउट करदे आंगे उहनां दे मोल फ्रैक्शन ने जिहड़े ओह इक दे बराबर ने। जेकर सानूं इक दा पता तां असीं दूसरे नूं भी फाइंड आउट कर सकदे आं यानी कि एक्स ए इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बी इस तरह भी कर सकते हैं ना आप भी एक्स ए की वैल्यू जी वन माइनस एक्स बी है इस आप इतने फिल कर दें जेकर ए वाली वैल्यू आप इतने फिल कर दी है पी ए नॉट एक्स ए की थे भर दिए वन माइनस एक्स बी प्लस इन ब्रैकेट पा दो पी बी नॉट एक्स बी इस नूं हुण तुसीं ब्रैकेट नूं आपां खोल लैंदे आ इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हुण तुसीं इहदे ते देखो कि मोल फ्रैक्शन कल्ले किहड़े आ रहे ने एक्स बी यानी कि जिहड़ा बी कंपोनेंट आ उस दे मोल फ्रैक्शन आ रहे ने ठीक है कोई भी आ बी कंपोनेंट आपां जिहड़ा भी कोई भी मन लो तो हुण इहदे विच्चों जेकर आपां एक्स बी इत्थों कॉमन कढ दईए टोटल प्रैशर आ जिहड़ा पी पी इज इक्वल टू पी ए नॉट थोड़ा जिहा जेकर आपां नूं रीअरेंज कर लीए तो माइनस दे निशान 'च तुसीं पजल नहीं होवोगे प्लस ए वाली जिहड़ी रकम है इहनूं मूहरे लै आवो पी बी नॉट एक्स बी इहदे मूहरे प्लस सीगा ना और ये मूहरे इतने माइनस आ तो इन्हू माइनस पिछे लै जाओ पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी नू कॉमन कढ़ना है आपां पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ए वाली टर्म आ गई हुण पी जिहड़ा कि टोटल वेपर प्रैशर आ वह किहदे ते डिपेंड कर गया देखो ए वाली वैल्यू ए भी कॉन्सटेंट ए वाली वैल्यू जी ए भी कॉन्सटेंट ए का जोड़ा कॉन्सटेंट आ वेपर प्रैशर जो सैपरेटली आपू पी ए नॉट का मतलब ही यह है ना जो ए गर्म करते हैं तो वह जो वेपर प्रैशर आंसटेंट बन जाता कॉन्सटेंट ही पानी का फिक्स आ कि इन्ना ही वेपर प्रैशर होएगा अलकोहल का फिक्स आ वेपर प्रैशर कि होएगा जल्क पेट्रोल लैने वह फिक्स आ कि वेपर प्रैशर कि होएगा तो इस तरह ये यदा फिक्स ने वैल्यूज सारिया दारिया तिने तो डिपेंड कि फिर प्रैशर एक्स बी ते यानी कि मोल फ्रैक्शनस एक्स बी ते डिपेंड कर गया एक कंपोनेंट आ जोड़ा एक्स बी जी वह डिपेंड कर गया। इट मीनस आप कंकलूड की किया यही रॉड्स लाए आ फॉर वॉलेटाइल सोल्यूशन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जिदे कि वॉलेटाइल सल्यूट होएगा रॉड्स लाए हो गया P इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स बी कह लो जाता ठीक है जानि कि मोल फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से डिपेंड करता जहाँ तुम लिखोगे पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी ए हो गया फॉर वॉलेटाइल दे लई रॉड्स ला और तुसी इसनों कंकलूड करके फिर लिखना है कि जोड़ा टोटल वेपर प्रैशर आ डिपेंड करता है एक कंपोनेंट दे मोल फ्रैक्शन दे उत्ते बाकी दा जिहड़ा टोटल वेपर प्रैशर आ ओहो की आ उहदे विच सारे फिक्स कंपोनेंट ने पी ए नॉट ते पी बी नॉट ठीक है बेटे। हुण मैं इहदे नाल रिलेटड तुहानू ग्राफ ड्रॉ करा के दसदी हां एक बारी मैं इसनू तां कि तुसी ईजीली इसनू समझ सको थोड़ा जिहा शॉर्ट कर दिंदी हां रॉड्स ला हो गया
वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल फैक्टर्स अफैक्ट करते जड़े वेपर प्रैशर बारे आप पहला पढ़िया तो इस तरह इसनों तुसी सॉल्व करना है। ठीक है तो हुण आपां कर देंगे ग्राफ आपां पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं इत्थे जिमें कि आप हूँ किया कि एक कंपोनेंट का जेकर ग्राफ नू पूरे ध्यान समझना है वैरी इंपॉर्टेंट। इधरली साइड पर मैं ले लिया मोल फ्रैक्शन क्योंकि मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता ना वेपर प्रैशर टोटल वेपर प्रैशर आप किया मोल फ्रैक्शन के उत्ते इधरले पासे आप ले लिया वेपर प्रैशर। हूँ जेकर आप मान लीए पहला कंपोनेंट कि जिहड़ा पहला कंपोनेंट जिमें कि आप एक्स ए लिया इत्थे मैं थोड़ा जिहा नीचे लिख दिया मोल फ्रैक्शन तां कि तुहानू चंगी तरह समझ आ सके। मोल फ्रैक्शन जिहड़ा पहला कंपोनेंट है एक्स ए एक्स ए मन लो इत्थे एक्स ए है जिहड़ा वह आपां जीरो शुरू दे विच जीरो वैल्यू ठीक है जिहड़ा ए कंपोनेंट आपां लिया शुरू दे विच जीरो आ ते इधर नू मोल फ्रैक्शन ने जिहड़ा वधेगे इहदे इहदे इत्थे लास्ट ते मन लो कि एक्स ए इज इक्वल टू हो गया वन इहदा मोल फ्रैक्शन वन हो गया। इत्थों जदों असीं इधरले पासे आपां लिया वेपर प्रैशर जदों असीं मोल फ्रैक्शन नू इस तरह इधर नू इनक्रीज़ करदे गए ठीक है तां इहदा वेपर प्रैशर भी जिवें जिवें मोल फ्रैक्शन वधी गया उवें उवें इहदा वेपर प्रैशर वधी गया। ठीक है बेटा इस वेपर प्रैशर नू आपां कह दिता एक्स ए सी इधरले पासे जिधरले पासे वन आ जाने के जो ज़्यादा वो मोल फ्रैक्शन हो गए तो उस साइड पर ही तुसी उसका वेपर प्रैशर लिखोगे तो जेकर तुसी इत्थे भी एक लाइन लगा लो ता कि तुहानू ईजीली दर्शाना सौखा हो जाए ये हो गया पी ए नॉट जाने के जो पी ए इत्थे वन हो गया मैक्सीमम क्योंकि जीरो पर तो कोई प्रैशर होना नहीं ना जो मोल फ्रैक्शन है ही नहीं वो कोई मोल्स ही नहीं है तो कोई प्रैशर नहीं होएगा तो जो जिम्मे वे जाते हैं तो वह इतने प्रैशर बन गया फिर ठीक है एक्स ए इज इक्वल टू वन हो गया तो पी ए नॉट इसका प्रैशर हो गया। ये हो गया एक ए कंपोनेंट का मान लो तो दूसरा कंपोनेंट हूँ आप लें दूसरा कंपोनेंट तुसी इधर मनना फिर कि एक्स बी इत्थे मन लो जीरो इधरले पासे क्योंकि जे इक्को साइड ते लाओगे तो वह लाइना आपस के विच क्रॉस नहीं ना करनगे टच करनगे तो प्रॉपर चंगी तरह ग्राफ का समझ नहीं जाने के दो ग्राफ एक दे विच ही कंक्लूड किए हुए हैं। इत्थे मन लो कि जिहड़ा बी कंपोनेंट आ उस दे मोल फ्रैक्शन किन्ने ने जीरो इधरले पासे तो इधरले पासे नू हुण इहदे मोल फ्रैक्शन इधर नू वधदे जा रहे हैं तो इत्थे हो गया एक्स बी इज इक्वल टू वन तो हुण वेपर प्रैशर देखो किवें वधूगा इधरले पासे जीरो सी इधरले पासे जीरो सी ना तो यह वेपर प्रैशर इधरों इनक्रीज़ हुंदा हुंदा इस तरह वध गया। ठीक है और यह देखो ये वध घट हो सकता बेटे पी ए इधरले पासे हो गया पी बी नॉट यह ज़्यादा घट हो सकता क्योंकि सल्यूट कोई होर आ सॉलवेंट कोई होर आ दोनों के वेपर प्रैशर वक्ो वक्रे ने यह एक ज़्यादा हो सकता वेपर प्रैशर एक का घट इको जे नहीं हो गए क्योंकि आप इको जे सल्यूट तो सॉलवेंट नहीं पाए हुए यही है भी पानी ची पानी पाया तो जो पानी ची पानी पाया तो फिर सल्यूशन नहीं ना बनया आप सल्यूट कोई होर पावे ठीक है तो सॉलवेंट कोई होर है तो दोनों के वेपर प्रैशर जोड़े कॉन्सटेंट वेपर प्रैशर ने वक्ो वक्रे हो गए इस करके यह एक लाइन वध तो एक घट हो सकती है कि होएगी ही तो टोटल वेपर प्रैशर देखो किस तरह बन गया दोनों का जोड़ है जोड़ा टोटल वेपर प्रैशर ठीक है ये वाला होएगा टोटल वेपर प्रैशर मतलब की हो गया हुण ये तो हो गया पार्शियल वेपर प्रैशर कि ए का हो गया पार्शियल वेपर प्रैशर ए का पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए इधरला की हो गया
पी बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है जी, तो टोटल वेपर प्रेशर की हो गया हूँ इतने, देखो टोटल का आपकी किता सी पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पर यह सारे का सारा जोड़ा यह ग्राफ आ यह आइडियल सोल्यूशन दे लिए आइडियल सोल्यूशन तो यह लागू होंगे सारे का सारे। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन मतलब जोड़ा कि रॉड्स ला ओबे करता है, आइडियल सोल्यूशन उन्होंने कहने आप जोड़ा कि रॉड्स ला ओबे करेगा और जिदे डेल्टा एच डेल्टा मिक्सिंग दे नाल यानी कि जो आप मिक्स करते हैं दोनों सल्यूट तो सॉल्वेंट में डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज आ वह नहीं होएगी वह जीरो होएगी और जो असी मिक्स करते हैं उन्होंने मिक्सिंग दे नाल जिहड़ा वॉल्यूम आ वह भी वह चेंज नहीं होएगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होएगा वह भी जीरो ही रहेगा और इन्हां दे रॉल्स ला नूं ओबे करेगा। ते जिहड़े नॉन आइडियल सोल्यूशनस हुंदे ने उहदा इसका ओपोजिट होएगा, उहदा की ओपोजिट होना ये नॉन आइडियल का क्या हो गया डू नॉट ओबे रॉड्स ला नूं ओबे नहीं करता और डेल्टा एच जिहड़ा मिक्सिंग मैं एम शॉर्ट करके पा दिंदी आ इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर नहीं होएगी यानी कि जां तां हीट वधेगी जां घटेगी। ठीक है, जां एंडोथर्मिक होएगा जां एक्सोथर्मिक होएगा और डेल्टा मिक्सिंग दे नाल डेल्टा वी है जिहड़ा वह भी जीरो नहीं होएगा जां वॉल्यूम उहदा घट सकदा जां वध सकदा, कुछ कंपोनेंट ने जिहड़े उहदे विच ही मतलब कुछ कंपोनेंट्स ने डिसोसिएट हो सकते हैं कोई एसोसीएशन हो सकती है इस तरह उन्हां दी इंट्रैक्शन आ जिहड़ी उह डिफरेंट होएगी कंपोनेंट्स की यानी कि जिहड़ा वॉल्यूम आ उह चेंज हो जाएगा डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा वह नॉन आइडियल दी आ। हुण नॉन आइडियल दे विच आपां गल करांगे अगों इहदा भी ग्राफ आपां ड्रॉ करदे हां नॉन आइडियल दे लई की होएगा। नॉन आइडियल दे लई जेकर आपां ग्राफ ड्रॉ करदे हां कि जेकर उन्हें मिक्स करन दे नाल चेंज हो जांदा पहला आपां इस तरह लिया एक दूसरा आपां इस तरह लिया। ठीक है, ये तो आइडियल दे लई सी और जेकर उहदे नाल उहदी एंथैल्पी चेंज हो जाती है और उसका वॉल्यूम आ जिहड़ा वह भी चेंज हो जाता तो इस नूं असीं की कह दिंदे आ जेकर वॉल्यूम वध गया उहदा। ठीक है, और उसका जिहड़ी डेल्टा एच वह भी इनक्रीज होगी तो असीं की कहने आगे कि उहदा जिहड़ा वेपर प्रैशर आ वह ज़्यादा हो जाता पार्शियल वेपर प्रेशर दैन यानी कि पी ए है जिहड़ा वह ज़्यादा हो जाता पी ए नॉट इंटू एक्स ए पहले आप इक्वल टू किया ना जिहड़ा पार्शियल वेपर प्रेशर आ कॉन्सटेंट वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन तो ज़्यादा हो जाता ये नॉन आइडियल दे लई हुंदा। तां असीं किस तरह ड्रॉ कर देंगे फिर इस तरह बन गया है ग्राफ इधरों इस तरह बनेगा डेविएशन शो करूगा तो टोटल वेपर प्रेशर असी दोनों की एडिशन करनी हैगी इत्थे तो ये भी डेविएशन शो होगी इस तरह इस डेविएशन असी कहने पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नूं जिवें कि आपां कोई एक्सप्लेन करना होवे कि जिवें तुहाडी बुक दे विच एग्जांपल दित्ती है एक इथाइल अल्कोहल ते साइक्लोहेक्सेन ने जिहड़े उन्हां नूं आपां मिक्स कर देंगे जिहड़े इथाइल अल्कोहल ने उह आपस दे विच की करदे ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लैंदे ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाउंदे ने ते जिहड़े साइक्लोहेक्सेन ने उहदे विच ही मिक्स हो जांदे ने उहदे विच मतलब उहदे जिहड़े बॉन्ड्स ने उहनां दे विच इनवॉल्व हो जांदे ने
और जो डेल्टा च जो असी दोनों इथाइल अलकोहल तो साइक्लोहेक्सेन मिक्स कर देंगे तो डेल्टा एच और डेल्टा वी ने जोड़े वो जीरो के बराबर नहीं रेंगे। वो तो आप गल पहले ही कर ली कि नॉन आइडियल के जीरो के बराबर नहीं हो गए। ये जदों के असी पॉजिटिव डेविएशन शो करनी है गी तो वह की करते हैं डेल्टा एच आ जड़ा मिकसिंग दे दौरान पॉजिटिव डेविएशन दे विच जदों मिकसिंग हुंदी हैगी मिक्स करदे आ डेल्टा एच आ जड़ा वो एनर्जी उसनू चाहीदी हैगी। ठीक है, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक हो जाता है, जाने के बॉन्ड्स जड़ा आपां ए पाया एक कंपोनेंट बी कंपोनेंट पाया उन्हां दे विचकार बॉन्ड्स नू तोड़न दे लई सानू एनर्जी चाहीदी हैगी ते इस प्रोसैस नू आपां कहिंदे आ फिर एंडोथर्मिक। और जदों दोनों नू असी मिक्स कर दिंदे हैगे मिक्स करन दे नाल कि उन्हां दे विचकार लिया इंटरमोलीकुलर जिहड़ियां फोर्सिस ने जिहड़ियां ओह घट जांदियां ने ए ते बी नू जदों आपां मिक्स करदे आ किहदे विच पॉजिटिव डेविएशन वाले दे विच तां इंटरमोलीकुलर फोर्स जदों घट गईआं तां इहदा मतलब एक दूजे नूं अट्रैक्ट नहीं करदे नेड़े नेड़े नहीं आउंदे परे परे रहिंदे ने परे परे रहिंदे ने तां की होएगा वॉल्यूम आ जिहड़ा उसका इनक्रीज़ हो जाएगा। मिक्सिंग तो बाद वॉल्यूम आ जिहड़ा वो इनक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है बेटे, जाने के इहदा की हो जाएगा ये पॉजिटिव मतलब की हो गया कि डेल्टा एच आ जिहड़ा डेल्टा एच पॉजिटिव डेविएशन के लिए याद रखियो आप पॉजिटिव की गल करें डेल्टा एच मिक्सिंग तो बाद पॉजिटिव और डेल्टा वी भी मिक्सिंग तो बाद पॉजिटिव होगा तो फिर पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता। तो ग्राफ तुम मैं दिखा दिता कि इस तरह का ग्राफ बनेगा है। इस तो बाद सेम ग्राफ देखो इधरले पासे जो कुछ भी लिखना है इतने जो भी लिखना वो लिखो पुराने ग्राफ वाले ही है जो मैं तुम्हें पहला इतने समझा चुकी हूँ ए वाला ग्राफ। ठीक है, एक्स ए इज इक्वल टू जीरो एक्स ए इज इक्वल टू वन ये जो भी तुसी लिखना है ये इसे तरह ही लिखना है सिर्फ आपां डेविएशन शो करनी है। इस तो बाद आ गई नैगेटिव डेविएशन की गल नैगेटिव डेविएशन दे विच की होएगा नैगेटिव डेविएशन यानी कि आपां नॉन आइडियल सोल्यूशन की गल कर रहे हैं उहदे विच दो तरह के होंगे ने एक तो पॉजिटिव डेविएशन एक नैगेटिव डेविएशन। नैगेटिव डेविएशन का आपां ग्राफ ड्रॉ करते हैं हुण इस तरह ही इधरले पासे आपां लवांगे मोल फ्रैक्शन और इधरले पासे वेपर प्रेशर ग्राफ आपां ड्रॉ करता उस तरह ही एक्स ए इज इक्वल टू जीरो इधरले पासे वन पा लेना सेम उस तरह लिखना तुसी ते ए वाला आ गया वेपर प्रेशर आइडियल वाला जो आइडियल फॉर्म के होएगा। ठीक है, तो ए वाला आ गया यदा नॉन आइडियल का सॉरी ए भी आइडियल का एक ए का ला लिया कंपोनेंट का एक बी का ला लिया तो टोटल ए वाला बन गया। तो जो नैगेटिव डेविएशन होंगी जाने के डेल्टा एच नैगेटिव हो जाएगा और डेल्टा वी भी नैगेटिव हो जाएगा। नैगेटिव कदों होगा कि मिक्सिंग के दौरान उन्होंने इंटरमोलीकुलर फोर्सिस बढ़ जाएंगे एक दूजे के नेड़े नेड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो उन्होंने वॉल्यूम घट जाएगा और इन्हें बॉन्ड तोड़न के वास्ते जो बॉन्ड तोड़ते इन्हों के तो एनर्जी बाहर निकलती है यह की बन दिंदा एग्जोथर्मिक बन दिंदा तो डेल्टा एच आ जड़ा वो नैगेटिव हो जाता एनर्जी रिलीज़ होंगी है और डेल्टा वी भी नैगेटिव हो जाता तो वह नैगेटिव डेविएशन शो करता इस तरह डेविएशन टोटल की हो जूगी। पहला तुसी एक इस कंपोनेंट की नैगेटिव होगी फिर इस दी नैगेटिव होगी फिर इस टोटल की भी इस तरह नैगेटिव होगी। ठीक है बेटे, फिर हेठां नूं तुसी लाइनस दीआं ड्रॉ करनियां ने एक ए दा हो गया ये पी ए दा मन लो ए पी बी हो गया पार्शियल प्रेशर ए पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी केड़े वाला आ वाला। ठीक है, जिहड़ा नीचे नूं लाइन गई है ये नैगेटिव डेविएशन शो करदा। इहदे विच एग्जाम्पल्स ने जिवें कि एसीटोन ते क्लोरोफॉर्म नूं आपां मिक्स कर देंगे तो एसीटोन आ जिहड़ा वो क्लोरोफॉर्म दे नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लैंदा स्ट्रोंग बॉन्ड्स बन जांदे ने ते नेड़े नेड़े हो जांदे ने वॉल्यूम घट जांदा आ ते बॉन्ड्स तोड़ने औखे हुंदे ने तोड़न दे वास्ते जदों बॉन्ड्स ने जिहड़े टुटदे ने तां एनर्जी आ जिहड़ी उह बाहर निकलदी आ। यानी कि शॉर्ट फॉर्म दे विच तुसी इस तरह इस नूं याद कर सकदे हो कि जदों तां पॉजिटिव डेविएशन आ तो डेल्टा एच मिक्सिंग दे दौरान पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आता पॉजिटिव डेल्टा मिक्सिंग दे दौरान वी आ जड़ा डेल्टा वी वो भी पॉजिटिव और जो नैगेटिव होएगा तो डेल्टा एच आ जड़ा मिक्सिंग दे दौरान नैगेटिव
और डेल्टा वी भी मिक्सिंग के दौरान नैगेटिव। ठीक है, जन के डेल्टा वी वॉल्यूम घट जाता, नैगेटिव मतलब वॉल्यूम घट जाता है, डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेल्टा एच नैगेटिव का मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, आउट हो रही है, नैगेटिव मतलब बाहर कढ़ना, तो डेल्टा एच का पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक अंदर जा रही है एनर्जी। ठीक हो गया, तो हुण आप गल करिए नॉन वॉलेटाइल की। ठीक है, रॉड्स ला आप हम वॉलेटाइल का किया ना, हुण आप करने रॉड्स ला दी नॉन वॉलेटाइल के लिए। नॉन वॉलेटाइल के लिए देखो ये जिमें डायग्राम आ तुहाडे कोल, इस डायग्राम के आप गल करते हैं कि ए वाला तो हैगा सॉल्वेंट, आ वाला तो हैगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ने दसता उपरों इनू कवर किया हुआ, एदा वेपरस बन गए। जो असी ये सल्यूट के पार्टीकल्स पाते आ वाले ब्लैक वाले जो सल्यूट के पार्टीकल्स पा दते तो उपर सरफेस के उत्ते की हो जाता, कुछ पार्टीकल्स तो है सॉल्वेंट के तो कुछ पार्टीकल्स सल्यूट के भी तो आएंगे ना बिच, जिमें कि आप पानी के शुगर नू डिजोल्व कर देंगे, तो उस तो बाद शुगर जो डिजोल्व हो जाती है तो तुम देखते हो कि पानी हुण पानी वर्गा तो टेस्ट वह है नहीं गा, मिठा हो गया तो टेस्ट, ठीक है स्वीट हो गया, तो यदा मतलब उस पानी के जेडे मोलीक्यूल्स ने उन्होंने विचकार सल्यूट के मोलीक्यूल्स भी विच मिक्स हो गए, तो इतने सरफेस के उत्ते भी फिर इस तरह सल्यूट के भी पार्टीकल्स होणगे और सॉल्वेंट के भी होणगे। जो इतने सरफेस के उत्ते हुण सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टीकल्स नहीं सल्यूट के भी ने, तो फिर थोड़े पार्टीकल्स ने उपर तो वेपर घट थोड़िया की बनने ना, थोड़िया बन गए तो वेपर प्रैशर है जोड़ा वो घटूगा। ठीक हो गया, यदा मतलब जिमें कि फॉर एग्जाम्पल एक होर मैं थोड़ा दस दिनी हाँ कि तुसी एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर ले लिया आपां, उस कंटेनर दे विच तुसी पानी है जड़ा वो बॉयल करन दे लई रख दिता। ठीक है जी, पानी इसनों लगा दो ढक्कन उपर ते पानी बॉयल होना शुरू हो गया, इत्थे वेपर्स बन गए, समझ गए। हुण तुसी इसका उपर कवर लिड ना भी लगाओगे तो भी चलो कोई गल नहीं चल जूगा, जिहड़ी लिड आ ना तुसी उसनों उतार दोगे तो भी कोई गल नहीं, ये जदों बॉयल होना शुरू हो गया, इतने वेपर्स बनने शुरू हो गए तो यह बॉयल होना शुरू हो गया, तो जदों बॉयल होंदा तो ये तुसी कोई भी सॉलिड सल्यूट जाने के नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल हुण आपां नॉन वॉलेटाइल की गल करनी है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जदों तुसी इहदे विच पा दिता, चीनी पा दो, नमक पा दो, कुछ भी पा दो, जिवें तुसी दो कड़छियां भर के चीनी दियां पा दो। ठीक है जी, तो की पानी नाल दी नाल फिर उस तरह ही उबलता रहिंदा, सोचो नहीं ना उबलता, फिर उबलना बंद हो जाता, बॉयल होना बंद हो जाता, उस तो बाद फिर लगातार गैस तुहाडा चलता रहिंदा आ, तो फिर थोड़ी देर बाद वो बॉयल होना फिर शुरू हो जाता। तुसी की कीता, सल्यूट दे पार्टीकल्स पा दिते, पानी दे विच की हो गया सल्यूट दे पार्टीकल्स नाल आ गए, तो उन्होंने की कीता उहदा जिहड़ा बॉयलिंग जिहड़ा टैंपरेचर आ उसनों घटा दिता, क्यों, क्योंकि उपर सरफेस के उत्ते जिहड़े पहला सॉल्वेंट के पार्टीकल सी उहदे विच नाल सल्यूट के पार्टीकल्स भी आ गए, इस करके उहदा मतलब ईजीली उहदे वेपर्स हुण बन नहीं रहे हैगे। रॉल्स ला हुण इहदे लई दसणा आपां नॉन वॉलेटाइल के लिए, जदों नॉन वॉलेटाइल आपां सल्यूट उहदे विच एंटर करता, हुण तुसीं देखो जदों वेपर, जदों वेपर प्रैशर पहला वेपर्स बन रहे सी ना, जदों पानी बॉयल कर रहा सी इत्थे, इत्थे जो बॉयल कर रहा तो उदो इत्थे वेपर्स बन रहे हैं लगातार, इस तरह वेपर्स बनते हैं, पर ज्यों ही तुसी सल्यूट उहदे विच ऐड किया तो वेपर्स बनने हट गए, थोड़ी देर बाद फिर वेपर्स बनने शुरू होए। इहदा मतलब जदों असी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पाउने आ तां वेपर प्रैशर प्रैशर घटिया ना, उहदा पहला वेपर्स बन रहे सी प्रैशर घटिया, तां प्रैशर कीते डिपेंड कर गया जिहड़ा तुसी सल्यूट दे पार्टीकल्स उहदे विच पाए ने, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये आप कर लेंगे कि वेपर प्रैशर ऑफ द सल्यूशन इज इक्वल टू द, यदा मतलब वेपर प्रैशर बनता ये कि सल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल आ, वेपर प्रैशर बनूगा कि सॉल्वेंट का बनूगा। ठीक है, सॉल्वेंट का जोड़ा वाटर पाया है उस दे ही वेपर्स बनने ने, तो पर डिपेंड कि करता वह वेपर प्रैशर एक्स ए, मतलब कि ए वाला जोड़ा असी जोड़े वेपर प्रैशर बन रहा हो ए का बन रहा है, पर वो वेपर प्रैशर जो घटता है वह बी करके घटता है। हुण जिहड़ा इहदे विच ए सॉल्वेंट आ, ए वाला जिहड़ा की है सॉल्वेंट आ,
वेपर प्रैशर बनना ही सॉल्वेंट करके आ, क्योंकि सल्यूट तो असं नॉन वॉलेटाइल है, वह वेपर बनने नहीं है। जेकर पानी के चीनी पाई आती लगातार बॉयल करते जा रहे होंगे तो अखीर तो चीनी नहीं ना बॉयल होकर वेपरस बन के उड़ जाएगी, चीनी तो वापस ही रहने, पानी बॉयल होकर हौली हौली वेपरस बन के खत्म हो जाएगा, हेठा तुहाड़ी शुगर उस तरह की उस तरह वो रह जूगी। इस करके वो नॉन वॉलेटाइल आ, उसके वेपरस नहीं बन गए। वेपरस कि बनने ने ए कंपोनेंट जिहड़ा सॉल्वेंट जाने के वाटर लिया, जाने के जिहड़ा वेपर प्रैशर आ वो डिपेंड कि वह डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स ए कंपोनेंट हो गए। तो जेकर इस प्रपोर्शनैलिटी खत्म करना रॉल्ट ला के मुताबिक असी जिहड़ा कॉन्सटेंट वेपर प्रैशर आ उसनू आप प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट लवेंगे, पी ए नॉट लवेंगे। जाने के सल्यूशन का जिहड़ा वेपर प्रैशर आ वह प्योर सॉल्वेंट जाने के वाटर का जिहड़ा प्योर फॉर्म के जिहड़ा वेपर प्रैशर आ इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट दे, ये सॉल्वेंट दे वेपर प्रैशर ने। हुण आपां ये देखना कि जिहड़ा जदों असीं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पाउंदे आ तां वेपर प्रैशर सिर्फ सॉल्वेंट दा ही हुंदा आ, उसे दे मोल फ्रैक्शन ते डिपेंड करदा आ, और उसे दे कॉन्सटेंट फॉर्म दे विच जदों उहदा वेपर प्रैशर हुंदा आ ते उहनूं आपां उहदे नाल मल्टीप्लाई करना। जाने के वेपर प्रैशर ऑफ ए सल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। हुण जेकर असीं इसनूं थोड़ा जिहा इस तरह मूव कर दिए, पी ए ओवर पी ए नॉट कर दिए इज इक्वल टू हो गया एक्स ए, कोई फर्क नहीं ना पिया, इधर मल्टीप्लाई हुंदा सी, इधर डिवाइड हो गया। और फिर असी जे ये इस तरह थोड़ी जी अमेंडमेंट कर दिए कि इनू वन दे विचों माइनस कर दिए, वन माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए, ठीक है बेटे। तो वन माइनस एक्स ए तो हुण मैं तुहानू समझा के हटी हैगी कि जिहड़े मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, तो इत्थे हुण वन माइनस एक्स ए का मतलब की हो गया कि एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए, ठीक है ना। तो यह मतलब ए वाली वैल्यू इतने आ गई, जाने के एक्स बी आना चाहिए हूँ, इतने आप इतने एक्स बी लिख सकते हैं। इतने जेकर आप डिनोमीनेटर है जोड़ा इसका आप एलसीएम ले लिए, पी ए नॉट उपर हो जाएगा पी ए नॉट पी ए नॉट, तो इधर की हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी, वन माइनस एक्स ए सी ना एक्स बी दे बराबर हो गया। हुण ये पी ए नॉट कौन आ, सॉल्वेंट, ठीक है। ए वेपर प्रैशर पी ए नॉट कि सॉल्वेंट का जोड़ा कि वो असी पानी पाया हो, ठीक है। माइनस जोड़ा पी ए भी जोड़ा टोटल वेपर प्रैशर बन गया, वह जाने के सल्यूशन का प्रैशर बन गया है, ये जोड़ा आ ये सल्यूशन का प्रैशर लवेंगे आप पी ए, क्योंकि आप पहला सल्यूशन की गल करिए कि सल्यूशन के जोड़ा वेपर प्रैशर आ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का ही वेपर प्रैशर आ, अगों जो वह डिक्रीज़ होगा और लोअर होगा वेपर प्रैशर वह अगों डिपेंड करता सल्यूट के पार्टिकल्स के उत्ते। ये जोड़ा प्रैशर आ यह हैगा सल्यूशन का, ठीक है जी। और इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये हैगा पी नॉट कि सॉल्वेंट का इज इक्वल टू एक्स एक्स बी सी ना, बी कौन आ सल्यूट, आप पहला भी गल की ए सीगा सॉल्वेंट बी हैगा सल्यूट है। ये हुण समझो ध्यान नाल कि जिहड़ा ए वाला आ सॉल्वेंट ते सल्यूशन, जाने के सॉल्वेंट दे वेपर प्रैशर जिहड़ा कॉन्सटेंट आ उहदे विच असीं सल्यूशन का वेपर प्रैशर माइनस कर दिता, सॉल्वेंट का ज़्यादा होएगा वेपर प्रैशर, सल्यूशन का घट क्योंकि असी सल्यूट पाया घट गया सी, उहदा जदों चीनी असी पाई सी तां घट गया सी, वेपर्स बनने बंद हो गए सी, तां फिर थोड़ा जिहा होर हीट किया तां बनने शुरू हो गए, इहनूं तां वेपर प्रैशर घट गया सीगा। इहनूं आपां कहिंदे आ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर, ठीक है, सिंपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर। जदों असी इस नूं इस स्टैंडर्ड वेपर प्रैशर कॉन्सटेंट वेपर प्रैशर आ जिहड़ा सॉल्वेंट दा उहदे नाल डिवाइड कर दिंदे आ तां असी इस नूं कहिंदे आ रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर, रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर, रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर। यही रॉल्ट दा सैकेंड लॉ है, ठीक है। ये वाली जिहड़ी आपां लिखी है ना ये वाली समीकरण आ वाली है जिहड़ी, ये रॉल्ट का सैकेंड लॉ है, जाने के रैलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रैशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन,
जिदे विच की आ कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट एट ए गिवन टैंपरेचर। ठीक है, उम्मीद है मैनू तुसी चंगी तरह समझ गए होवोगे इसनों भी। तो हुण नैक्सट आपां करदे आ स्पैशल केस हैनरीज ला दे नाल ही। रॉड ला देखो हुण तुसी इहनू आपां जे कंपैरिजन करिए रॉल्ट ला नूं जेकर आपां कंपैरिजन करदे आ हैनरीज ला दे नाल ता रॉल्ट दा ला की है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए किसी भी कंपोनेंट दा ला लो। ते हैनरी ने की कहा वेपर प्रेशर यानी कि गैस दा जेड़ा प्रेशर आ वेपर प्रेशर नहीं प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच और एक्स जिहड़ी गैस आ उसके कंपोनेंट ते ता इत्थे की फर्क की है पी ए नॉट ते के एच दा ही फर्क आ ना यानी कि कॉन्सटेंट दा फर्क आ होर सेम आ जिहड़ा इहदा प्रेशर आ वह मोल फ्रैक्शन ते डिपेंड करता इहदा प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन ते ही डिपेंड करता इस करके इहदे विच इह सिमिलैरिटीज़ ने कि दोनों जिहड़े रॉल्ट ला ते हैनरीज ला ने एक तो वॉलेटाइल कंपोनेंट दे लई हो गए कि जिहदे वेपरस बनते हैं गैस ने जिहड़ी वह भी वेपर फॉर्म दे विच आ ते जिहदे आपां सोल्यूशन लिया सीगा उहदे विच जिहड़ा सॉल्वेंट आ जां सल्यूट आ वह भी वॉलेटाइल आ ते उहदे वेपरस बनते हैं। ठीक है, जाने कि गैसियस फॉर्म दे उत्ते ही लागू हो रहा। दोनों लास ने जड़े उहदे विच जिहड़ा प्रैशर आ वह मोल फ्रैक्शन ते ही कंपोनेंट दे मोल फ्रैक्शन ते ही डिपेंड करता। डिफरेंस की है सिर्फ ए वाले कंपोनेंट का पी ए नॉट ते के एच ए वाली वैल्यू जी कैलकुलेट की होंगी ए वाली वैल्यू जी कॉन्सटेंट होंगी ए इन्हों डिफरेंस है। हुण आपां गल करते हैं एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट एंड डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हूँ आपां इन्हों डिस्कस करना है कि यह बहुत ईजी आ जिमें कि आपां नॉन आइडियल दे विच कीता कॉलीगेट प्रॉपर्टी देखो ये वाली हो गई ये जिहड़ा मैं तुहानूं सैकेंड ला दस्सिया रॉड्स ला दा ये कॉलीगेट प्रॉपर्टी है जी फस्ट वाली होगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर ये ही कंसिडर होगी। तो इस थोड़ा जहाँ आप कंटिन्यू कर देंगे हूँ पहला तो कॉलीगेट प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे है कॉलीगेट प्रॉपर्टीज़ कॉलीगेट प्रॉपर्टीज़ कैड़ी होंगे ने प्रॉपर्टीज सोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर दिया ने ओनली ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट जां उहदी कंसंट्रेशन सल्यूट दी नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट। ठीक है, उसकी नेचर ते डिपेंड नहीं कर दिया नेचर ऑफ सल्यूट ते डिपेंड नहीं कर दिया नहीं कर दिया इहदे ते। ठीक है, सल्यूट दी नेचर ते डिपेंड नहीं कर दिया उस दे नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते डिपेंड कर दिया जां कह लो कंसंट्रेशन ते नंबर ऑफ सल्यूट नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स एदे ते डिपेंड कर दिया ने। ठीक है, इस दे उत्ते डिपेंड कर दिया याद रखना ता ही वह कॉलीगेट प्रॉपर्टी शो करता। हुण आपां रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुण तक जिन्ना क करिया हुंदा उहदे विच आपां बैक जे मैं तुहानूं उत्थे बैक ते ही समझावां इत्थे आ जाओ आवल आ गया इहनूं इत्थे तुसीं हुण लिखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपां की कीता सी के पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी यही कीता ना देखो एक्स बी आपां ए वाली फॉर्म कीती सी। ठीक हो गया, इस नूं आपां हुण लिखते ए हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हुण इहदे विच आपां मोलर मास फाइंड आउट करना ये तो तुसी इस तरह जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बारे तो तुहानू पुछदे ने तो इस तरह इत्थे तक सॉल्व करके जिहड़ा सैकंड लॉ रॉल्ट दा ते अखीर ते तुसी ये लिख देना कि यह देखो मात्रा ते डिपेंड करदा ना एक्स बी मोल फ्रैक्शन ते डिपेंड करदा तो तुसी कहोगे रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट एट ए गिवन टैंपरेचर सो इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट सो इट इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हुण इहदे विच आपां मोलर मास फाइंड आउट करना मोलर मास सारयां दे विच ही फाइंड आउट करांगे बस इत्थे समझ गए तो सारे अपने आप ही ईजीली हो जाने मोलर मास ऑफ सल्यूट सल्यूट का कढ़ना आपां रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे विच लॉ बहुत ही ईजी आ तुसीं आसानी नाल कर लेना इसनूं
बहुत इंटैलीजेंट बच्चे ने। पहला तुसी कंसंट्रेशन दिया टर्म्स कर चुके होंगे, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। हुण एक्स बी की आ, आप एक्स बी नू ही लैना। एक्स बी की आ, मोल फ्रैक्शन का तुसी फॉर्मूला लिखना इत्थे के मोल्स ऑफ बी, यही हुंदा ना एक्स बी किहदे नाल कढ़ना तुसी, एक्स बी किहदे बराबर आ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट दे ओवर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, एदे विच हुण आपां मोल्स किस तरह कढ़दे आ, हुण ये देखो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ओदा वेट बी दा वेट किन्ना ओवर उसका मोलर मास, बी दा मोलर मास। और इस तरह ही तुसी नीचे लिखोगे ये वेट, जाने के गिवन वेट जिहड़ा होगा ए दा ओवर उसका मोलर मास। इस तरह ही मोल्स कढ़दे आ ना आपां, इस तरह ही इधर डबल्यू बी ओवर एम बी। ठीक है बेटे, इस तरह आपां मोल फ्रैक्शन इस तरह कढ़दे हुंदे आ। जेकर आपां कहिंदे आ जिहड़ा इह जिन्ने भी लॉस ने इह डायल्यूट सोल्यूशन ते ही लागू हुंदे ने, कॉन्सनट्रेटेड ते लागू नहीं हुंदे, तां ही एप्लीकेबल ने जेकर सोल्यूशन डायल्यूट आ। डायल्यूट मतलब सल्यूट बहुत घट मात्रा दे विच पाया होया। सल्यूट किहड़ा आ इत्थे ए वाला बी, तो जेकर उपर तो चलो तुम इस रहन दो, जेकर डिनोमीनेटर के इस आलमोस्ट मतलब निल की तरह मन लीए तो आप इतें लिखांगे कि जड़ा एक्स बी आ दैट इज़ इक्वल टू डबल्यू बी ओवर एम बी ओवर डबल्यू ए ओवर एम ए। ठीक है, घट मात्रा में हूँ उपर तो देखो हैगा ही एक, इतने तो आप निल कर नहीं सकते, नीचे दो ने एक तो सॉल्वेंट का एक सल्यूट का, तो वो भी सल्यूट बहुत घट मात्रा होने के कारण असी एन ए जाने के जड़ा एन ए किया सी आपां प्लस एन बी किया सी उनूं आलमोस्ट एन ए दे बराबर ही मन लो, क्योंकि बहुत घट मात्रा दे विच। ठीक हो गया, हुण तुसी इस नूं लिख सकते हो डबल्यू बी ओवर एम बी, इस नूं जो तुसी उपर उल्टा के लैके जाओगे तो की बन गया एम ए ओवर एम सॉरी डबल्यू डबल्यू ए, इस तरह ही हो जाएगा ना। बस ए वाली वैल्यू तुसी इत्थे फिट कर दो, इत्थे जिहड़ा कीता तुसी इस वैल्यू नूं तुसी देखो, इत्थे मैं हुण लिख के दिंदी हां तुहानूं पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी की जगह दे उत्ते तुसी हुण ए वाली वैल्यू पाउणी आ डबल्यू बी ओवर एम बी इंटू एम ए ओवर डबल्यू ए वाली वैल्यू तुसी इत्थे पाओगे। हुण आपां मोलर मास फाइंड आउट करना। ठीक है, मोलर मास किहदा फाइंड आउट करना, सल्यूट का, आ वाला सल्यूट आ बी की आ सल्यूट आ ए सॉल्वेंट आ। ठीक है, तो आपां एम बी नू फाइंड आउट करना, तो तुसी की करोगे फिर एम बी नू इधरले पासे लै जाओ लैफ्ट हैंड साइड ते, तो पी ए नॉट जिहड़ा ए वाला कंप्लीट आ इसनों इधर नीचे लै आओ। इधर आप लिखते हैं एम बी नू उपर लै जाओ, इधर डिवाइड हो रहा एम बी इज इक्वल टू डबल्यू बी ओवर डबल्यू ए इंटू एम ए ओवर पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट, ए दे नाल मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है जी, उम्मीद है मैनू तुहानूं चंगी तरह समझ आ गई होएगी। मोलर मास इत्थे आपां फाइंड आउट इस तरह करांगे, बाकी दियां जेकर चीज़ां पता ने आपां नूं इस दे नाल रिलेटड न्यूमेरिकल्स भी तुसीं करने होणगे। ये हो गया मोलर मास किस तरह फाइंड आउट करना आपां रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो बाद। हुण आपां नैक्सट गल करदे हां कॉलीगेट प्रॉपर्टी, फस्ट होगी ना यह रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, तो हुण आपां करदे हां एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट कदों होगा, पहला तो बॉयलिंग पॉइंट बारे तुहानूं पता होना चाहिए, सैकेंड प्रॉपर्टी है एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट
पहला तो बॉयलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आ कि वह टैंपरेचर जिथे जाके वेपर प्रैशर है जोड़ा एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, टैंपरेचर एट विच द वेपर प्रैशर बिकम्स इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रैशर उस लिक्विड का। बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ द टैंपरेचर एट विच वेपर प्रैशर बिकम्स इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रैशर। हुण जिवें मैं पहला ही तुहानूं दस्सिया हटी सी एक कंटेनर दे विच आपां वाटर बॉयल कर रहे हां, उहदे विच आपां शूगर ऐड कर दित्ती तां उहदा जिहड़ा पहला जदों बॉयल करदा सी तां बॉयल होण नूं हट गया, तां फिर थोड़ी देर बाद होर हीट दिंदा तां बॉयल होना शुरू हो गया, जानि कि एलीवेशन हो गया बॉयलिंग पॉइंट दे उत्ते। ग्राफ ड्रॉ करके दसदी हां, इसदा आपां जदों ग्राफ ड्रॉ करदे हां इस तरह, इधरले पासे तुसीं लैणा टैंपरेचर और इधरले पासे लओगे तुसीं वेपर प्रैशर। एक्स एक्सिस ते टी टैंपरेचर और वाई एक्सिस ते लौंगे टैंपरेचर वेपर प्रैशर। तो इत्थे मन लो तुसी आ वाली लाइन एक हैगी, इत्थे वन एटमोसफीयर इत्थे हो जाता वेपर प्रैशर, इत्थे वन एटमोसफीयर का बन जाता है। जो हुण तुसी सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट जदों तुसी लिया तो मन लो कि सॉल्वेंट इत्थों बॉयल होना शुरू होया हौली 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 करके इत्थे जाके वह वन एटमोसफीयर आ जड़ा वो बराबर हो गया तो उन्होंने क्रॉस किया, तो इस टैंपरेचर के उत्ते वाला जड़ा इतने टैंपरेचर आ गया, ये हो गया। ये आप सॉल्वेंट की गल कर रहे हैं बेटे, सोल्यूशन की नहीं कर रहे, ये हैगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने जो वन एटमोसफीयर से स्ट्राइक किया तो उस वेले टैंपरेचर सीगा जड़ा उन्हूं आपां कहांगे स्टैंडर्ड टैंपरेचर, कॉन्सटेंट टैंपरेचर टी बी नॉट। टी टैंपरेचर, बी बॉयलिंग हो गया तो उपर नॉट पा दिता, आप जीरो पा दी उन्होंने कहने पर टी बी नॉट, यानी कि सॉल्वेंट का एक फिक्स कॉन्सटेंट बॉयलिंग टैंपरेचर बॉयलिंग पॉइंट आ। उस तो बाद जो आप सल्यूट ऐड कर दिता, जो आप सल्यूट ऐड कर दिता तो सल्यूशन बन गया। फिर देखो तो वह इस तरह इतने आया हूँ वाटर वन एटमोसफीयर से, इतने आता तो हम देखो टैंपरेचर यदा इत्थे आ गया। ठीक है जी, इत्थे मान लो 10 सीगा डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, यानि कि इत्थे जिहड़ा टैंपरेचर हुण टी बी सोल्यूशन का हो गया टी बी। आ जिहड़ा डिफरेंस हो गया ये हो गया एलीवेशन, वध गया ना टैंपरेचर वध गया 40 डिग्री के उत्ते। जेकर इत्थे देखो इत्थे 10 आ, इत्थे 20 आ, इत्थे 30 आ, तो इत्थे 40 आ, तो इत्थे 50 आ। जेकर 40 डिग्री से पहला बॉयल हुंदा सी सॉल्वेंट तो सल्यूट पाउण तो बाद 50 डिग्री सैलसीयस से जाके बॉयल हो गया, वध गया एलीवेशन। इस नूं आपां कहिंदे एलीवेशन का मतलब वध जाना, एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। इस तरह एलीवेट हो गया तो इहदा मतलब की हो गया, फिर जिहड़ा टैंपरेचर हो गया टी बी नॉट आ जिहड़ा घट सीगा, टी बी आ जिहड़ा ज़्यादा है, तो टी बी दे विच्चों आपां टी बी नॉट नूं जेकर माइनस कर दिए तो वह की आजूगा डेल्टा टी बी, यानी कि एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गया ना, तो हुण तुसीं देखो भी जिहड़ा बॉयलिंग पॉइंट दे विच एलीवेशन आई है क्यों आई है, क्योंकि असीं सल्यूट पाया सी, सल्यूट की मात्रा पाई सी, असीं पानी दे विच दो कड़छियां भर के चीनी दियां पा दित्तियां सी, तां उहदा बॉयलिंग पॉइंट आ जिहड़ा एकदम बॉयल करनों बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बॉयल होया, होर हीट दित्ती सी उसनों तां बॉयल होया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਲਿਊਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਘਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਮੋਲਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਮ ਮੋਲੈਲਿਟੀ, ਮੋਲਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਬੀ ਐੱਮ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੇ ਬੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਮੋਲਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਐਬੂਲੀਓ स्कोपिक कॉन्सटेंट। ठीक है बेटे, जो उ बॉयलिंग पॉइंट एलीवेशन है जड़ा,
ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਲਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੋਲਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਂਸਟੈਂਟ। ਜਾਂ ਐਬੂਲੀਓ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਸਕੋਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪੈਂਦਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੇ ਬੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਲਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਨ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੇ ਬੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆ ਹੈ, ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰ ਵਨ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਨ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਕਰ ਮੋਲ ਸਲਿਊਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ, 1000 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਲੈਣਾ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਲਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਲਿਊਟ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਨ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਬੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਨ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਵਨ ਮੋਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਬੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਲਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਫ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ, ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਬੀ ਐੱਮ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਮੋਲਸ ਆਫ ਸਲਿਊਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐੱਨ ਬੀ ਪਾ ਲਓ, ਓਵਰ ਵੇਟ ਡਬਲਿਊ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਡਬਲਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਗ੍ਰੈਮਸ, ਇਨ ਟੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1000 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੋਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਮੋਲਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਓਵਰ ਐੱਮ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਓਵਰ ਡਬਲਿਊ ਏ ਇੰਟੂ 1000। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਓਵਰ ਐੱਮ ਬੀ, ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ ਏ ਓਵਰ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਓਵਰ ਡਬਲਿਊ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਲਿਊਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਲਿਊਟ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਐੱਮ ਬੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਕੇ ਬੀ ਇੰਟੂ ਡਬਲਿਊ ਬੀ ਇੰਟੂ 1000 ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇੰਟੂ ਡਬਲਿਊ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਲਿਊਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਸੋਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੀਸਰੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ।
फ्रीजिंग पॉइंट एक अजिहा टैंपरेचर है जिथे जाके सॉलिड तो लिक्विड जिमें कि बर्फ़ के पानी नूं तुसी ब्रेन दे विच लै लो कि बर्फ़ की फॉर्म दे विच जदों सॉलिड फॉर्म दा विच और कोल्ड वाटर बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर सॉलिड तो लिक्विड स्टेट के सबसटांसिज ने जोड़े उन्हों का सेम वेपर प्रैशर आ ठीक है हालांकि उदों तो वेपर प्रैशर होना ही नहीं वेपर बनने ही नहीं ठीक है बस यही पॉइंट लेना वो वाला पॉइंट जिथे जाके सॉलिड फॉर्म उस लिक्विड की उस दी लिक्विड फॉर्म उन्हां दे वेपर प्रैशर सेम हो जाता है तो उसनों आपां कहिंदे आ फ्रीजिंग पॉइंट लिख सकते हो तुसीं फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टैंपरेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सबसटांस हैव द सेम वेपर प्रैशर ग्राफ ड्रॉ करांगे हुण इसका आपां ग्राफ तो समझ आएगी इधरले पासे लाओगे तुसीं टैंपरेचर और इधरले पासे वाई एक्सिस ते वेपर प्रैशर लाओगे एक्स एक्सिस ते टैंपरेचर ये पहले आप उस तरह ही जिमें कि एलीवेशन बॉइलिंग पॉइंट की गल की ये भी आप पहला सॉलवेंट लवेंगे ये वाला हैगा सॉलवेंट ठीक है टैंपरेचर आप हेठां नूं घटाउणा ना इधर नूं घटाउणा आ क्योंकि फ्री जो आप फ्रीज करना तो टैंपरेचर घटेगा तो आप उपरों हेठां तो इनू लाइन में लैके आने ये वाला हैगा सॉलवेंट ठीक है लिक्विड फॉर्म के लिक्विड सॉलवेंट ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਐੱਫ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨੋਟ ਟੀ ਐੱਫ ਨੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ठीक है तो यदा मतलब की हो गया ये इस पॉइंट के उत्ते आके जो असी सोल्यूशन पाया ये वाला हैगा सोल्यूशन तो इस पॉइंट पर आके यदा सॉलिड फॉर्म तो यदि लिक्विड फॉर्म आ जी उसका वेपर प्रैशर सेम होगा जाने कि फ्रोजन पॉइंट ये वाला बन गया हुण तुसीं इस पॉइंट नूं नोट करो ये बन गया ये वाला पॉइंट बन गया टी एफ तुसी बेटे नोट किया पर टैंपरेचर देखो इधरों जीरो लैने इतें मान लो इतने विचाले हो गया वन डिग्री इतने हो गया टू डिग्री इतने हो गया थ्री डिग्री तो हुण जेकर आपां ये मनीए कि थ्री डिग्री ते तां आ के सॉलवेंट आ जिहड़ा ओ फ्रीज हो जांदा पर जदों असी इस सॉलवेंट दे विच नमक पाता कोई सल्यूट पा दिता तां ओह थ्री डिग्री ते फ्रीज होया ही नहीं जमया ही नहीं हैगा वो होर टैंपरेचर घटिया वह टू डिग्री ते जाके फ्रीजन फ्रोज हुंदा और यही कारण आ कि सड़कां दे उत्ते बर्फ नूं पिघलाउण दे वास्ते नमक पाया जांदा क्योंकि वह फ्रीजिंग पॉइंट आ जिहड़ा घट जांदा है ठीक है यह हुण इहदे विच आपां एलीवेशन किहड़ा हो गया सॉरी डिप्रैशन किहड़ा हो गया डिप्रैस कर गया ना टैंपरेचर इत्थों इधर नूं वापस मुड़ गया पहला टैंपरेचर ए वाला सीगा ए वाला हो गया तो डिप्रैशन हो गया आ जिहड़ा फर्क आ इहदे विचकार इहनूं कहिंदे आपां डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस नूं आपां हुण किवें लिखांगे देखो जिहड़ा डेल्टा टी एफ आ इह हैगा ज़्यादा जिहड़ा टी डेल्टा नहीं सॉरी टी एफ नॉट आ जिहड़ा इह हैगा ज़्यादा टैंपरेचर और टी एफ आ जिहड़ा उह घट आ तो इहनूं तुसीं डेल्टा टी एफ किवें लिखांगे हुण आपां जाने के डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किवें लिखांगे टी एफ नॉट तो ज़्यादा है ना तो जिहड़ा टी एफ आ वह घट आ तो टी एफ नॉट के विचों आप टी एफ नूं माइनस कर देंगे हुण देखो यह जेकर टैंपरेचर घटते जाके वह सल्यूशन आ जिहड़ा उहदा फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा घट आ दो डिग्री से जाके फ्रीज होया हालांकि वह तीन डिग्री ते ही हो गया सी सॉलवेंट क्यों होया क्योंकि उहदे विच आपां सल्यूट पाया एक ठीक है ना सल्यूट पाया नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पाया उहदे विच सल्यूट पाया इहदा मतलब उसकी कंसनट्रेशन ते डिपेंड करता तो असीं की कहांगे डेल्टा टी एफ इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू मोलैलिटी यानी कि
मोलल सोल्यूशन जो सल्यूट पाया सोल्यूशन नहीं जो सल्यूट पाया वो मोलैलिटी डिपेंड करता तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने लिए आप पावे के एफ एम तो के एफ नूं आपां की कहने आगे जां तां इस नूं तुसीं कहोगे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सटेंट जां तुसीं इस नूं लिखोगे क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट ठीक है जी। हुण बस सेम उस तरह फिर करना कि जेकर आपां वन मोलल सोल्यूशन ले लैने फॉर वन मोलल सोल्यूशन जेकर आप वन मोलल सोल्यूशन लेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ ठीक है जी क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट के बराबर हो जूगा जेकर एम इज इक्वल टू वन मतलब मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सटेंट है जोड़ा वह हैगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सोल्यूशन दे क्योंकि यह उसकी मात्रा से डिपेंड करता है कि किन्ने मोलल आ ना मोलल सोल्यूशन आ इट मीनस यह कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स वो किन्ने ने इस करके नॉट द नेचर ऑफ नेचर तो नहीं डिपेंड करता उसके नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स किन्ने पाए ने अपना वो तो डिपेंड करता है इस करके यह की है कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है। हुण सेम उस तरह ही बेटा मोलर मास ये भी आप कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सल्यूट इन फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम उस तरह होएगा कोई फर्क नहीं। हुण तुसी आराम नाल कढ़ लेना है यू आर वेरी इंटेलीजेंट के आपां की कीता सी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ ते मोलल सोल्यूशन दे लिए आपां जिवें पिछे काउंट करके आए हैं मैं हुण लिख दिंदी हाँ कि उस तरह सेम ही करना है कोई फर्क नहीं हैगा तां की लिखोगे तुसीं के एफ इंटू डबल्यू बी इंटू 1000 ओवर डबल्यू ए इंटू एम बी ठीक है। तो हुण एम बी नूं जदों फाइंड आउट करना आपां इत्थे हैगा डेल्टा टी एफ फाइंड आप मोलर मास तो एम बी का फाइंड आउट करना तो एम बी नूं इधर लै जाओ एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डबल्यू बी इंटू 1000 ओवर डेल्टा टी एफ इंटू डबल्यू ए इस का फॉर्मूला हो गया ठीक है जी। उम्मीद है मैनू तुहानू डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी चंगी तरह समझ आ गया होएगा ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया ठीक है। हुण आपां गल करांगे वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस ते ऑस्मोटिक प्रेशर दी ऑस्मोसिस की हुंदा है कि जदों जिवें कि यह डायग्राम बनी हुई है कि असी एक इनवर्टड फनल लै ली इनवर्टड फनल लई उहदे विच की पाया आपां शूगर सोल्यूशन ये आप शूगर सोल्यूशन लिया शूगर सोल्यूशन जब आप बाहरले पासे की कला पानी है तो हेठले पासे आप पाइए सैमी परमीएबल मैमब्रेन सैमी परमीएबल मैमब्रेन वो होंगी है जिदे इन्ने बरीक पोर्स होंगे ने जिदे सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होंगे ने छोटे छोटे पार्टिकल्स वो लंघ सकते हैं पर सल्यूट के पार्टिकल्स वड्डे होंगे ने नहीं निकल सकते तो की होएगा वाटर ये एंटर होना शुरू हो जूगा क्योंकि यदि कंसनट्रेसन जी ये सॉल्वेंट की कंसनट्रेसन घट्ट बाहरले पासे सॉल्वेंट की कंसनट्रेसन ज़्यादा आ तो ये मूव होना शुरू हो जूगा तो तुम देखो भी इतने तक यह हो गया पहला इतने तक से इतने तक हो गया ये पानी है जोड़ा सॉल्वेंट इधरले पासे मूव होना शुरू इस प्रोसैस में आप कहने ऑसमोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सैमी परमीएबल मैमब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन इनू आप कहने ऑसमोसिस तो ऑसमोसिस तो डिफ्यूजन के डिफरेंस हों बट डिफ्यूजन बिल्कुल ओपन के ठीक है कि डिफ्यूज कर देना मोलीक्यूल्स ने जोड़े मूव कर देने हायर कॉन्सनट्रेसन तो लोअर कॉन्सनट्रेसन समझ गए इन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सनट्रेसन जबकि ऑसमोसिस होंगे ने सॉल्वेंट मूव करता
फ्रॉम द लोअर कॉन्सनट्रेशन ए जरा सोल्यूशन ए सल्यूट तो है ही नहीं ना लोअर कॉन्सनट्रेशन इधरले पासे सल्यूट ज़्यादा है ये हायर कॉन्सनट्रेशन यानी कि जी सल्यूट की लोअर कॉन्सनट्रेशन तो हायर कॉन्सनट्रेशन वाल जाता ज सॉल्वेंट की कहोगे हायर कॉन्सनट्रेशन तो लोअर कॉन्सनट्रेशन वाल जाता है समझ गए। इस तरह ऑसमोसिस आ जिहड़ा एक बंद फनल दे विच सैमी परमेबल मैम्ब्रेन लगी होगी तां होएगा जबकि डिफ्यूजन ओपन दे विच होएगा तो इस नूं डिफ्यूजन नूं तुसीं रोक नहीं सकते इस नूं तुसीं रोक सकदे होंगे। इहदा हो गया ऑसमोसिस। हुण ऑसमोटिक प्रैशर जदों ही उपरले पासे देखो इस तरह उपर जांदा है पानी ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6th 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਸਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਫਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਓਸਮੋਸਿਸ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਓਸਮੋਸਿਸ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆਫ ਦਾ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਟੂ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਈਅਰ ਆਫ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਟੋਪ ਓਸਮੋਸਿਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੋਪ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਓਸਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਸਟੋਪ ਓਸਮੋਸਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਟ ਬੀ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਓਸਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਰਨਾ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿਊਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਸਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਈਏ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਵੇ
तो इतने जोड़ा प्रैशर गेज है ये असं प्रैशर मैयर कर लाँगे वह जोड़ा प्रैशर होएगा वह वेपर सॉरी ऑसमोटिक प्रैशर होएगा वह होएगा ऑसमोटिक प्रैशर होएगा। इस ऑसमोटिक प्रैशर असी पाई दे नाल डिनोट कर देंगे और वॉन्ट हॉफ ने फिर इस दे उत्ते एक ला दिता है वॉन्ट ऑफ उसने की कहा कि इस ऑसमोटिक प्रैशर असी मैयर करना ऑसमोटिक प्रैशर पाई दे नाल डिनोट करना और यह कि बराबर हों सी आर टी यानी कि पाई इज़ प्रपोशनल टू सी है प्रपोशनैलिटी खत्म करने लिए आर टी लाया ठीक है। आर भी कॉन्सटेंट है वैल्यू होंगे 0.082 और टैंपरेचर भी कॉन्सटेंट टैंपरेचर पर ही होएगा है यानी कि कंसनट्रेशन से यह जी सी आ जी सी वाली कंसनट्रेशन हैगी मोलर कंसनट्रेशन पहला आपां कीता सी मोलल ठीक है पहला वाली कड़ी सी मोलल मोलर कंसनट्रेशन सी तो हूँ आपां कड़ी करनी है मोलर कंसनट्रेशन ये मोलर कंसनट्रेशन से डिपेंड करता है तो जिहड़ा ये मैयर करन दा मैथड जिहड़ा आपां हुणे करके हटे हैं जिहड़ा ये वाला मैथड सीगा इसका नाम हैगा बर्कले एंड हार्टलेज मैथड। हुण इहदे विच फिर आपां उस तरह ही मोलर मास आ जिहड़ा उसनू मैयर करना जिस तरह पहलां कीता सीगा असीं की कीता हुण पाई इज इक्वल टू सी आर टी सी की आ मोलर मोलैरिटी का फार्मूला की है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम जे तो लीटर दे विच लैंदे हो तो इस तरह ही आ जेकर लीटर दे विच तुसीं नहीं लैंदे तो इस नूं मल्टीप्लाई करोगे 1000 दे नाल। हुण नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कढ़ने ने नंबर ऑफ मोल्स तुसीं किस तरह कढ़ोगे कि इसका वेट होएगा डबल्यू बी सल्यूट ला लो तुसीं ठीक है तो सल्यू इहदे विच एम बी हो गया ठीक है हो गया वॉल्यूम हो गया इंटू 1000 जेकर लीटर दे मिली लीटर चा अदरवाइज 1000 पाउन की जरूरत नहीं हैगी इसमें तुसी लिखोगे हम पाई इज इक्वल टू सी आर टी इज इक्वल टू सी नू आपां लै लिया एन बाय वी लीटर दे विच लै लिया इंटू आर टी एन नंबर ऑफ मोल्स कढ़ने ने जदों किवें लवांगे आपां डबल्यू बी ओवर एम बी इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी इधरले पासे हो गया पाई तो जेकर आप वॉल्यूम इधरले पासे ले जाइए आप मोलर मास कढ़ना ना एम बी कढ़ना आप एम बी इधर लेके जावे इतने लेके जावे आप एम बी तो पाई है जरा इधरले पासे आ जाऊगा यानी कि डबल्यू बी ओवर पाई इंटू वी इंटू आर टी ठीक है ये नाल तुसी मोलर मास उसका कढ़ सकते हो मतलब की होया कि हर एक जिन्नी भी आपां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कीतियां हर एक दे विच मोलर मास जरूर कढ़ना फिर ये विच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करनी आप एक मिनट इसमें तुसी शॉर्ट करके देख लो हम इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की है कि पौधे ने जड़े अपना पानी जड़ा जड़ों के राही लेंदे ने जड़ा वो भी इस करके क्योंकि वो जड़ा प्लांट्स ने वो अंदरले जड़े सैल ने उन्हों का सैल सैप आ जड़ा वो की हुंदा है उहदे विच सॉलवेंट घट हुंदा पानी घट हुंदा है होर जड़े प्रोटीनस वगैरह जो कुछ भी आदा होंगे ने सैल का जड़ा फ्लूड आदे होर मटीरियल वो जिमें सैल की स्ट्रक्चर तुसी कीती हुई है वह ज़्यादा होंगे ने ते उहदे विच सॉलवेंट घट हुंदा बाहरले पासे जड़ां दे कोल की आ पानी दे विच सॉयल दे विच सॉरी सॉयल दे विच की आ वाटर आ तो वाटर आ जिहड़ा फिर उत्थे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई अंदर सैल सैप दे विच वाटर की कंसनट्रेशन घट आ तो फिर जड़ां दे राही पानी आ जिहड़ा पौद्यां तक चला जांदा है अंदर सैल्स दे विच चला जांदा जेकर जिहड़ा सैल आ इसदा ਉਹ ਡਾਇਲਿਊਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀਏ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਿਸਿਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਟੋਨਿਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫ ਅ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮੋਰ, ਮੋਰ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪਰ, ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲੈੱਸ ਆ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦੋ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈੱਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ, ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈੱਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਲੈੱਸ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ। ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਾਈਨ ਵਾਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਡੀਸੈਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਲੀਗੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਲਿਊਟ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਟੂ ਕੀ ਆ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਿਊਟ ਨੋਟ ਡਿਸੋਸੀਏਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੀਗੇ ਏ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏ ਐਨ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਈਮਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CH3COH, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਣਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ CH3COH। ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, CH3 ਹੈ ਇਹ, ਸੀ ਡਬਲ ਬੋਂਡ ਓ ਅਤੇ ਐਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, CH3
सी ओ एच इत्थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जूगी। इस तरह इधरले पासे डबल बॉन्ड ओ इत्थे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जूगी। तो यह एक मोलीक्यूल एदा एक एदा दो बन गए ना, इसनों आपां कहिंदे आ फिर डाइमर, ये बन गए डाइमर। इस तरह पाए से असी दो मोलीक्यूल तो रह गया एक मोलीक्यूल, ठीक हो गया। तो जेकर शुरू यदा मोलीक्यूलर मास की सीगा, मोलीक्यूलर मास आ जड़ा यदा 120 है इथेनोइक एसिड का, ठीक है। जो असी पाया सीगा 120, ठीक है, 120 जेकर इथेनोइक एसिड सी, जो दो पाते होदे तां डबल हो गया सी। जेकर आप एक मोलीक्यूल की गल करिए कि 120 मोलीक्यूलर मास वाला आप इथेनोइक एसिड पाया, जन के मोलीक्यूलर मास इन्ना है, तां हो उस तो बाद जो असी वैल्यू देखते हैं नॉर्मल वैल्यू मोलर मास जिहड़ा इथेनोइक एसिड ते नू आपां पाने आ फाइन टू भी नीयरली 120 हुंदा हो, जिहड़ा कि डबल हो जाता दैन नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू उहदी किन्नी है, एक मिनट तुहानू मैं इत्थे समझाउनी आ कि इसका मोलीक्यूलर मास आ जिहड़ा इह हैगा 60, ठीक है। एक मोलीक्यूल का इसका मोलीक्यूलर मास आ जिहड़ा 60 है, तो इत्थे आके किन्ना हो गया 120 हो गया, क्योंकि दो हो गए ना, ये दो कट्ठे हो गए तो 120 बन गया। एसोसीएशन होगी सल्यूट मोलीक्यूल्स की सल्यूशन दे विच, तो जदों इहदी एसोसीएशन होगी तो हुण ध्यान नाल समझना तुसीं, इसका फिर सारा जिहड़ा मोलीक्यूलर मास आ जिहड़ा एबनॉर्मल हो गया। जो आप सोल्यूशन के पाया आप 60 वाला पाया से इधरले पास 120 दे फाइंड आउट होंगे ने अपन एक फिर फैक्टर लगाना पऊ। वॉन्टहॉफ ने फिर एक फैक्टर दिता जिन्हों आप कहने आई, ठीक है, आई फैक्टर दिता। आई फैक्टर के नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल किन्ना सीगा उहदा मास ओवर ऑबजर्वड किन्ना किया, जदों सॉल्वेंट दे विच पाता तां असी किन्ना ऑबजर्व किया, जेकर वह एसोसीएट हो गए। इस तरह जेकर डिसोसीएट हो जाएंगे, ठीक है, डिसोसीएट हो जाएंगे तो भी इस तरह असी वॉन्ट ऑफ फैक्टर लावांगे कि आई दे जिहड़ा आई है जिहड़ा उहदे विच नॉर्मल मोलर मास किन्ना सीगा जदों एसोसीएट हो गए, तो जदों डिसोसीएट डिसोसीएट दे विच की होणगे वह टुट जाएंगे, एक पाया सी तां दो बन गए, ठीक है। सोल्यूशन दे विच एक मोलीक्यूल पाया सी तां दो मोलीक्यूल बन गए, उहदे तां डबल हो गए, तां मोलीक्यूलर मास भी डबल हो जूगा। जेकर इत्थे 60 सी तां फिर इत्थे 120 डबल हो गया मोलीक्यूलर मास। जेकर इत्थे यानी कि दो मोलीक्यूल बन गए ने, तो उधरले पासे की सीगा, उधरले पासे एक मिनट आपां दोबारा डिस्कस करिए बेटा, इत्थेले पासे 60 सीगा ना जिहड़ा इहदा, ये आपां दो मोलीक्यूल पाए ने, 2 × 6 = 20 120 हो गया ना, इधरले पासे घट रह जूगा, इत्थे गलत आ, इहनू कट करो, इत्थे की रह जूगा इहदा 60 रह जूगा, घट रह जूगा, अद्धा रह जूगा जिन्ना मोलीक्यूलर मास सीगा उस तो अद्धा रह जूगा, समझ गए, क्योंकि एक बन गया ना मोलीक्यूल, यह एक मोलीक्यूल बन गया तो यह इसका अद्धा रह जूगा। इत्थे जदों आपां डिसोसीएशन करनी है उदों डबल हो जूगा, इत्थे 60 सी तो यह 120 बन जूगा, इस तरह इसने डबल हो जाना। हुण आपां इसकी डिग्री ऑफ डिसोसीएशन कि किन्ना ज़्यादा वह डिसोसीएट हो गया और किन्ना वह एसोसीएट हो गया उसनों आपां फाइंड आउट करना। डिग्री ऑफ डिसोसीएशन आपां जे कढ़ीए डिग्री ऑफ डिसोसीएशन, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन जब आपां फाइंड आउट करना, डिसोसीएशन एदे विच डिग्री ऑफ डिसोसीएशन नूं आपां लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस डिसोसीएटड, जिन्हें डिसोसीएट हो गए डिसोसीएटड ओवर ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर किन्ने सी ते डिसोसीएट किन्ने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस वो किन्ने हो गए। हुण मन्नो आपां मन लो कि जड़े एक मोल आपां सल्यूट लिया सी,
डिसोसीएशन करनी है ना अपना, डिसोसीएशन का मतलब अपना तोड़ना उसको, जिमें कि आप ने जड़े ए एन लए सी तो एन ए बन गए, ज़्यादा बन गए, जाने के इत्थे टी जो टैंपरेचर जीरो आ तो यह वन सी उदों तां इहदा कोई डिसोसीएशन नहीं होई, ठीक है। इहनू आपां इस तरह लिखांगे, तो जदों टैंपरेचर वधाता आपां टी इज इक्वल टू टी हो गया, तो की हो गया इहदे विचों कुछ डिसोसीएट हो गए, किन्ने डिसोसीएट हो गए, मन लो कि अल्फा डिसोसीएट हो गए, ठीक है। तो इधरले पासे किन्ने बन गए, बने किन्ने ने एन, तो एन अल्फा बन गए, ठीक है, एन अल्फा बन चुके ने इधरले पासे, डिसोसीएट हो गए इहदे विचों अल्फा, डिसोसीएट का मतलब टुट गए, एक दे बहुते बन गए, जिमें कि इतने आप लै लिया पोटाशियम क्लोराइड लै लिया, इतने बन गया पोटाशियम बन गया, तो एक होर क्लोराइड बन गया, इतने तो एक लिया से इतने एक पोटाशियम बन गया, क्लोराइड दो बन गए ना। इस तरह मान लो आप शुरू के एक मोल लिया पार्टिकल्स का, वो अल्फा ने जोड़े वो डिसोसीएट हो चुके हैं, बाकी किन्ने रह गए, वन माइनस अल्फा, तो इधरले पासे डिसोसीएट हो किन्ने गए, एन अल्फा, एन होए से ना इधरले पासे, तो हो किन्ने गए, अल्फा ने जोड़े डिसोसीएट हो गए, इधर अल्फा डिस आप माइनस किया, तो हुण तुसीं की करोगे टोटल किन्ने बन गए, टोटल करने ना वन माइनस अल्फा तो जिहड़े डिसोसीएट नहीं होए, वन माइनस अल्फा जिहड़े डिसोसीएट नहीं होए, जिहड़े डिसोसीएट हो गए किन्ने हो गए, एन अल्फा हो गए, ठीक हो गया, ये हो गए टोटल, टोटल इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन एन अल्फा बन गए। वॉन्ट ऑफ फैक्टर का आप जेकर वॉन्ट ऑफ फैक्टर के आप मोल्स का देखिए, पहले आप मोलर मास का देखिया सी, ते जेकर मोल्स का पहले आप पहले पिछले से गल की सी, हुण आपां मोल्स की गल करदे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की गल करनी आ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की गल करदे तो आई इज इक्वल टू किहदे बराबर आ, ऑब्जर्वड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑब्जर्वड किन्ने ऑब्जर्व किए ने, आप जेकर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की नाल गल करदे आ, आप ऑब्जर्वड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ऑफ सल्यूट ओवर नॉर्मल जिन्ने होंगे ने, नॉर्मल जिन्ने असी पाए सी उहदे विच, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट ए वाले हो गए। ऑब्जर्व आप किन्ने किते ने, देखो इन्ने ऑब्जर्व किते ने असी, ऑब्जर्व किते किते आ भी इन्ने तो डिसोसीएट नहीं होए, इन्ने डिसोसीएट हो गए, टोटल इन दोनों का आप टोटल कर ले, तो असी किते ने ऑब्जर्व, पर है किन्ने सी टोटल, वन, ठीक है, पाए तो असी वन नहीं सी ना, तो ऑब्जर्व किते असी इत्थे तुसी लिखोगे फिर आई इज इक्वल टू आई सॉरी वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा ओवर वन, पाए असी वन सी ना, ये वन लैना तुसी, तां हुण तुसी इसनू जेकर आपां इस तरह कर लिए दैट आई आ वाला जिहड़ा वन आ इहनू इधर लै आओ, माइनस वन हो गया, इधरले पासे थोड़ा जिहा रीअरेंज कर लो, एन अल्फा माइनस अल्फा कर लो, पॉजिटिव वाली वैल्यू नू मूहरे लै आओ, नैगेटिव वाली नू पिछे लै जाओ, तां हुण देखो आई माइनस वन इज इक्वल टू इत्थे अल्फा कॉमन कर लो, एन माइनस वन इंटू अल्फा, हुण अल्फा की आ डिग्री ऑफ डिसोसीएशन नू आपां अल्फा मनदे आं, तां अल्फा जेकर लै लिए आपां अल्फा दी वैल्यू कढ़नी होवे, अल्फा इधर रख लिया तां की बन गया आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन, ए हो गया अल्फा। ते आई जेकर असी मोलर मास की गल करनी होवे तां आई किहदे बराबर आ, नॉर्मल मोलर मास, पहला भी मैं गल कर चुकी हाँ, यह नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास ओवर ऑब्जर्वड, ये भी तुम मैं समझा भी ये क्यों आ, इतने ऑब्जर्वड आप नीचे लाया ना, वो मोल्स के आप ऑब्जर्वड उपर लाया सी, मैं हमने समझा तू मोलर मास, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के आप किया सी, कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जड़ी की आप इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मोलर मास, देखिया सी तुसी
अपना टी डेल्टा टी एफ किया तो की सी मोलर मास आप नीचे लिखा सी ठीक है यदा मतलब इनवर्सली प्रपोर्शनल आते मोलर मास से इनवर्सली प्रपोर्शनल आना कोई भी जी प्रॉपर्टी की आप कॉलीगेटिव हो मोलर मास से इनवर्सली प्रपोर्शनल इस करके इतने आप आई दे भी आप नॉर्मल मोलर मास उपर लिया ऑब्जर्व्ड मोलर मास नीचे लिया तो जो इतने लिखे इतने आप जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की गल की तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट उपर लए ने और नॉर्मल जोड़ा नंबर ऑफ मोल्स नीचे ले इस करके ये फर्क है तो इस तरह तुम इस फाइंड आउट कर सकते हो गे फॉर्मूला ए वाला हो गया डिग्री ऑफ डिसोसीएशन का जदों एक तो बहुते बन जाते हैं ये वाला यदा डिग्री ऑफ डिस यू आप डिग्री ऑफ डिसोसीएशन कहने पहले जिमें मैं तुम्हें दसिया सी कि इन्ने डिसोसीएट हो गए अल्फा डिसोसीएट हो गए क्योंकि वो जिमें कि इतने गल करिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वड नंबर ऑफ इतने मैं तुम्हें फॉर्मूला अलग लिख के दिनी एक डिग्री ऑफ डिसोसीएशन डिग्री ऑफ डिसोसीएशन इनू आप लिखते हैं डिसोसीएशन इनू आप लिखते हैं अल्फा दे नाल एक इहदे बराबर आ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सबसटांस डिसोसीएटड ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सबसटांस तो जो आप बराबर करते हैं कि जिन्हें डिसोसीएटड हो गए ओवर टोटल नंबर ज़्यादा ने डिसोसीएटड घट हुए ने ठीक है तो डिसोसीएट जिन्ने भी हो गए तो टोटल नंबर आप किन्ने लए सी वन लिया सी ना मन लो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप वन लेने तो वन तो आप कंसिडर नहीं करते तो डिग्री ऑफ डिसोसीएशन किदे बराबर होगी डिसोसीएटड नंबर ऑफ मोल्स के बराबर इस करके उत्थे आप अल्फा नू डिसोसीएटड पार्टिकल्स के नाल कंसिडर कर लिया सी वन माइनस अल्फा लिखा सी इत्थे इत्थे लिखे आप वन माइनस अल्फा कि अल्फा डिसोसीएट हो गए क्योंकि आप उधर वन ले ने इस करके डिग्री ऑफ डिसोसीएशन मोल्स ऑफ डिसोसीएटड के बराबर हो गए इनू बेटा ध्यान ना समझो थोड़ा जा बच्चे दे विच पजल होंदे ने ध्यान नाल चंगी तरह नाल दी नाल ही अपनी कापी दे उत्ते लिख लिख के देखना इस नू इस तरह ही हुण आपां करांगे डिग्री ऑफ एसोसीएशन डिग्री ऑफ एसोसीएशन के भी सेम ही होएगा कोई बहुता फर्क नहीं है एसोसीएशन के किमें होगा पहला तो आपका ए एन बन गए सी एन ए बहुते बन गए सी डिसोसीएट हो गए सी तो हुण आप गल करांगे ज़्यादा ने वो एसोसीएट हो गए एन ए सी तो ए एन बन गए ठीक है एन ए एन बन गए जाने के जेकर दो सी तो यह वन बन गए ठीक है इत्थे भी तुसी इस तरह करके एरो पा लो कि ये वाले इधरले पासे असी जिमें कि जो टैंपरेचर टी जीरो आ तो एक मोलीक्यूल लिया तो इधर एसोसीएट कोई नहीं होया तो जदों ही टैंपरेचर वधिया टी इज इक्वल टू टी हो गया तो की हो गया इधरले पासे एसोसीएट हो गए एसोसीएट हो के मतलब घट गए एन एन पैरों च पाया सी ना तो इधरले पासे आपां कहिंदे कि एसोसीएट किन्ने हो गए वन माइनस अल्फा एन वन लिया सी ना आपां जिहड़ा एक वन मोल लिया आपां एक मोलीक्यूल लिया उहदे विच तो वन दे विचों अल्फा ने जिहड़े एसोसीएट हो गए तो इधर बने किन्ने ने एन ओवर अल्फा इत्थे ओवर करना समझ गए अल्फा एक मिनट इत्थे करोगे तुसीं इत्थे आपां ए एन बनाए ने ना इत्थे लिखो तुसीं ए एन ठीक हो गया तो किन्ने एक दे विचों अल्फा ने जड़े हो एसोसीएट हो गए तो पिछे एसोसीएट टोटल किन्ने हो गए अल्फा ते पैरां च एन पाया सी ना इहदे बटा एन पाउणा ये याद रखियो अल्फा ओवर एन हो गया है तो हुण वॉन्ट ऑफ फैक्टर दे विच ला टोटल किन्ने हो गए वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर एन हो गए इस नूं बस टोटल कर लो हुण तां वॉन्ट ऑफ फैक्टर दे मुताबक ऑब्जर्वड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स जिहड़े आपां इहदे विच ऑब्जर्व कीते ने की कीते ने वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर एन तो टोटल किन्ने लए सी आपां वन लए सी नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े आपां
टोटल जिहड़े सोल्यूट पार्टिकल दे अज्यूम किए असी शुरू दे विच जिहड़े लए ने ਉਹ हो गए तो उस तरह ही सेम कर देना। फिर तुसी वन नूं आपां कंसिडर नहीं करते, आई इज़ इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर एन हो गया। तो इधरले पासे वन नूं तुसी हुण ए वाला जिहड़ा वन है इहनूं इधर लै जाओ तो आई माइनस वन इज इक्वल टू इहनूं रीअरेंज कर लो अल्फा ओवर एन माइनस अल्फा, तो इत्थे की बन गया फिर आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा नूं कॉमन कर लो वन बाय एन माइनस वन इंटू की हो गया अल्फा। तो फिर तुसी अपना अल्फा की वैल्यू कढ़नी आ, अल्फा नूं इधर रख लो आई माइनस वन ओवर वन बाय एन माइनस वन। ठीक है बेटे, ए वाला इहदा आ गया फार्मूला, ए वाला फार्मूला इहदा बन गया एसोसीएशन का। इस तरह इस दे बेस ते तुसी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने ने। तो मैनूं उम्मीद आ कि तुहानूं हुण इह चंगी तरह, ए वाला मैं इत्थे लिख दिंदी आ, यह है एसोसीएशन, आपां डिग्री ऑफ एसोसीएशन इत्थे लिखना डिग्री ऑफ एसोसीएशन। कई बुक्स दे विच बीटा दे नाल डिनोट किया एसोसीएशन नूं, दूसरे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहानूं समझ आना चाहिए। मेन की है उहदे विच अल्फा एन किया सी अपना एसोसीएशन डिसोसीएशन, अल्फा एन बहुते बन गया सी, अल्फा एन मल्टीप्लाई करता सी ते इहदे विच घट गए तो आपां डिवाइड कर देना बस अल्फा बाय एन कर देना। ठीक है, इन्ना ही फर्क है बस। तो ये सारे तुसी चंगी तरह जिन्ने भी आपां हुण इह सॉल्व किए ने स्टेटमेंट्स इन्हां दीआं मतलब लॉज नूं सॉल्व किया आ, जां आपां ये वाले डिग्री ऑफ एसोसीएशन ते डिसोसीएशन की, इन सारे अपनी कॉपीज़ के उत्ते नोट्स बना के लिख लेने ने, जिमें जिमें मैं बोली कि उमें नोट्स बनाई चलो। ये अज लैसन कंप्लीट हो गया ताड़ा, इस तो बाद फिर मैं ये रिलेटड न्यूमेरिकल्स तुहानू पाऊंगी, तो न्यूमेरिकल्स तुसी इन्हां नूं चंगी तरह करना।